चलो बताओ, तो सारे लोग प्लीज एक बार फिर से फटाफट लिखो, सारे लोग प्लीज एक बार फटाक से लिखो, ठीक है? बताओ कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, सारे लोग प्लीज एक बार फटाक से लिखो। देखो कुछ लोगों ने लिखा था दो, ठीक है, जो इन लोगों ने नहीं लिखा वो बताओ। तो देखो यहाँ पे क्या है हमारा सवाल, क्या है ध्यान दे, सर्विस में लिखा दो। अरे ध्यान दे, हमारे पास दो मिरर है, अरे दो मिरर नहीं है, एक ही मिरर को मैंने बीच से तोड़ दिया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बताओ कितने इमेज बनेंगे, अरे बताओ कितने इमेज बनेंगे। सर दो, आलोक ने भी दो, रंजन ने भी दो। अरे मूर्खों के सरदार, यहाँ पे दो इमेज नहीं बनेंगे। अरे जरा ध्यान से देख, यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज सिर्फ एक बनेंगे, सिर्फ एक बनेंगे। अब कुछ लोग बोलेगा सर क्यों नंबर ऑफ इमेज सिर्फ एक बनेगा। अरे कुछ लोग सोच रहा होगा कि सर नंबर ऑफ इमेज सिर्फ एक क्यों बनेगा। अरे जरा ध्यान से देख, अरे बुड़बक आदमी जरा समझने की कोशिश कर। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों मिरर का जरा ध्यान से देख, इन दोनों मिरर का इस ऑब्जेक्ट के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है कि अलग है? इन दोनों मिरर का इस ऑब्जेक्ट के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है कि अलग है? अरे बोल सेम है कि अलग है? अरे बोल सेम है कि अलग है? इन दोनों मिरर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट के साथ सेम है कि अलग है? अरे सेम है कि अलग है, फटाक से बताओ। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, क्लियर? कहां चला गया? हाँ तो जरा ध्यान से देख। अच्छा देखो, इन दोनों मिरर का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है। अरे जरा सोचो, जब तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहेगा तब तक नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट भी तो वही रहेगा। मतलब ये दोनों मिरर, जरा ध्यान से देखो, ये मिरर भी और ये मिरर भी, समझ पा रहे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, इसलिए ध्यान से देखो इस ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक इमेज बनेगा। मतलब ये मिरर दोनों एक ही जगह इमेज बनाएंगे। तो मतलब बोलेगा सर अंदर क्या होगा, जरा फील कराता हूँ, टेंशन मत लेना। तो देखो इमेज यहीं पे बनेगा, यही हमारा इमेज का लोकेशन होगा, समझ में आया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब तक नहीं बदला है तब तक नंबर ऑफ इमेज भी नहीं बदलने वाला है। अरे बोलो कुछ कुछ समझ में आया? मतलब बोले हाँ सर, देखो फील कराता हूँ। अरे जरा देख, अगर आप इसका रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो देख एक रे ऐसे जाएगा, और अगर आप ऐसे देखोगे तो एक रे ऐसे जाएगा। अरे जरा ध्यान से देख, इस मिरर के कारण रे ऐसे जा रहे हैं, इस रे को पीछे एक्सटेंड करोगे यहीं पे इमेज बनेगा। अच्छा इस मिरर के कारण भी देखोगे तो रे ऐसे जा रहे हैं, अरे जरा ध्यान से देख। अच्छा इसका देखोगे तो देखो ये रे ऐसे जा रहे हैं। तो देखो दोनों मिरर ने सेम इमेज बनाया है, क्यों? क्योंकि दोनों मिरर का इस ऑब्जेक्ट के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है। अरे मुझको रियलिटी में दो अलग अलग मिरर है ही नहीं, ये एक ही मिरर है। बीच में सिर्फ इस मिरर को हटाने से क्या हुआ, इस मिरर को हटाने से एक चीज में असर पड़ा है जिसको हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। किस में असर पड़ा है? फील्ड ऑफ व्यू में असर पड़ा है। वो अभी हम डिस्कस करेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो डोंट टेक टेंशन। अरे बोलो क्या सबको समझ में आ गया? क्या ये सबको समझ में आ गया? अभी आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लेना। प्लीज सारे लोग एक बार चैट बॉक्स में लिखो, फटाक से लिखो। अरे सबको समझ में आ गया तो प्लीज सारे लोग एक बार चैट बॉक्स में लिखो, यस सर। अगर नहीं समझ में आया तो आगे बढ़ेंगे। अरे किसी को कहीं दिक्कत, प्लीज फटाक से। अरे लिखने में क्यों कंजूसी कर, वेरी गुड। अच्छा आपको धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लेना। तो जब तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बदलेगा तब तक नंबर ऑफ इमेजेस, अच्छा अभिषेक टेंशन मत लो, अभी क्लियर करा देंगे अभिषेक, सो प्लीज डोंट टेक टेंशन। अच्छा आप आगे देख, अभी मैंने एक और समझ लो, तोड़ के आगे कर दिया और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब बताओ हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म बाय दिस सिस्टम, ये सिस्टम अब कितना इमेज बनाएगा? अब बताओ हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म बाय दिस सिस्टम, फटाक से चार बॉक्स में बताओ। अरे फटाक से चैट बॉक्स में लिखो। अरे लिख रहे भाई, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी टू, कुछ लोगों ने वन लिखा, कुछ लोगों ने टू। अरे यहाँ तो थ्री लगना चाहिए, प्रियस ने वन, सर्वेश ने टू। देखो प्रियस तुम्हारा गलत है, अरे मूर्ख प्रियस बाबू, अरे जरा समझने की कोशिश करो। देखो आशीष ने भी सही कहा, वेरी गुड आशीष। अरे जरा ध्यान से देखो, सैफ ने भी सही कहा, अरे बुड़बक आत्माओं। देखो जब तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तब तक नंबर ऑफ इमेजेस विल बी सेम। तो देखो ये मिरर वन मान लो, ये मिरर टू मान लो, ये मिरर थ्री मान लो, तो बता कौन से दो मिरर सेम जगह पे इमेज बनाएंगे, कौन से दो मिरर सेम जगह पे इमेज बनाएंगे? वन टू, वन थ्री, टू थ्री, कौन से मिरर सेम जगह पे इमेज बनाएंगे? फटाक से बताओ कौन से मिरर सेम जगह पे इमेज बनाएंगे? अरे कौन से दो मिरर सेम जगह पे इमेज बनाएंगे, क्या ये आप बता सकते हो? अच्छा एम वन, एम टू, एम थ्री, तो आप शॉर्ट में बताओ, वन टू का पेयर, अच्छा सेम इमेज, कौन से दो मिरर सेम जगह पे इमेज बनाएंगे? तो वन और थ्री का कॉम्बिनेशन सेम जगह पे इमेज बनाएगा, वेरी गुड, वेल डन ऋतिक, बहुत अच्छा मणिकाल। तो जरा ध्यान से देखो, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, तो ये जो डिस्टेंस है इतने ही डिस्टेंस पे एक इमेज ये दोनों बनाएंगे।
तो ये दोनों भाई मिलके यहाँ पे इमेज बनाएंगे। और देखो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से कम है तो ये यहाँ से कम डिस्टेंस पे आई एक और इमेज बनेगा। तो कुल टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय दिस सिस्टम विल बी टू। अरे कितने बनेंगे नंबर ऑफ इमेजेस? दो बनेंगे। क्या ये सबको समझ में आ गया? अरे क्या क्लियर हो गया? अभी टेंशन मत लेना। और अभी तो सिर्फ मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, कंसेप्ट तो आप बताऊंगा, कंसेप्ट तो बताऊंगा फील्ड ऑफ व्यू। क्या क्लियर हो गया? सो प्लीज सारे लोग एक बार आंसर लिखो, क्या ये सबको क्लियर हो गया? प्लीज लिखने में कंजूसी मत करो। अरे लिखने में कंजूसी कोई नहीं करेगा, ठीक है? चलो कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर कुछ कुछ क्लियर हो गया, ठीक है? कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो चलिए अब अगला हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अगला एक और सवाल मैं पूछता हूँ आपसे, तो देखते हैं कितने लोग इस सवाल का सही जवाब दे पाते हैं, ठीक है? वेरी गुड सर्वेश, चलो बहुत अच्छा है। अच्छा एक और सवाल मैं पूछता हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है? अब अगला टॉपिक है हमारा फील्ड ऑफ व्यू। अगला टॉपिक हमारा क्या है? फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है? सर स्क्रीन शॉट लेने दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, अब से मैं लेने दूंगा, प्लीज सॉरी मुझे याद नहीं था, अब से आप ले सकते हो, स्क्रीन शॉट ले लो, लिख लेना, टेंशन मत लेना। चलिए अगला टॉपिक हमारा फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है? एफओवी, इसको शॉर्ट में हम लोग एफओवी कहते हैं। ये है आपका फील्ड ऑफ व्यू। आखिर ये है क्या? जरा ध्यान दे, इससे आपका ना कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। सो चिंता किसी को नहीं करना है, इससे आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलो मैं आपको फील कराता हूं कि रियलिटी में फील्ड ऑफ व्यू होता क्या है। चलिए दिखाता हूं। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक मिरर है, जरा ध्यान से अभी आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक मिरर है, ठीक है? स्क्रीन ब्लर आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूं एक बार, स्क्रीन ब्लर आ रहा है तो ठीक है, मैं एक बार, ठीक है? हाँ अब स्क्रीन ठीक हो गया, जरा ध्यान से देखो सारे लोग, क्या अब स्क्रीन ठीक है? हाँ अब ठीक है, चलो बताओ अब ठीक है स्क्रीन? एक बार कोई यस सर तो लिख, स्क्रीन में सुधार हुआ या वैसा ही है? हाँ ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो देख ये हमारा फील्ड ऑफ व्यू, प्लीज ध्यान से सुनना। हाँ ठीक है ठीक है, चलो थोड़ा सा ये करना होगा। अच्छा देख तो ये हमारा यस सर, ठीक है हाँ बस बस ठीक है ना? हाँ अरे अब ठीक है, एक बार और लिख दे कोई भाई, एक लोगों ने ब्लर लिख दिया बता। अच्छा देख ये हमारा एफओवी फील्ड ऑफ व्यू। अच्छा सोच फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, जरा ध्यान दो। मान ले कि ये मेरा मिरर है, समझने की कोशिश कर, ये मिरर ऐसे है लेकिन मैंने ऐसे लिखा और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, फील कर। अच्छा एक बात बता, इस ऑब्जेक्ट के कारण इमेज कहाँ पे बनेगा? तो किसी को शक नहीं होना चाहिए ये इमेज कहाँ पे बनेगा, तो जरा ध्यान से देख, ये इमेज इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बनेगा। क्लियर? आप तो समझ रहे हो क्योंकि ये आपका कौन सा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट। इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? समझ में आ रहा है, ये वर्चुअल इमेज बनेगा। अब कब कैसे बनता है ये सब धीरे धीरे आप सीख जाओगे, अभी फिलहाल आप बेसिक से ध्यान। तो सोचो ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट है। अरे जरा फील करना, आपको मैं एक एक चीज बताऊंगा। अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक तो है? अरे नेट स्पीड तो ठीक दिखा रहा है, तुम लोग कहीं गड़बड़ा रहे हो। ओ धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, अब छोटा छोटा चीज पे प्लीज, ठीक है? अब क्या कर सकते हैं बताओ, तुम भी जानते हो इंडिया में है ना, हाँ? तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको फील आ रही है ना सारी बातें? फील आ रही है ना? देख तो मान ली हमारा मिरर है, सोच, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जरा ध्यान से देख। अच्छा एक बात बता, तो अगर ये हमारा मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो अच्छा एक बात बता, तो सोच यहां से बहुत सारे रेज निकलेंगे। अच्छा बता एक दो रेज निकलेंगे या लाखों? अरे एक दो या लाखों, बता कितने रेज निकलेंगे? एक दो या लाखों? अरे मूर्ख, एक दो या लाखों नहीं, यहां से करोड़ों रेज निकलेंगे अनुराग बाबू, करोड़ों निकलेंगे, ठीक है? अच्छा एक तरह सोच, यहां से करोड़ों रेज निकल रहे हैं, वेरी गुड, इनफाइनाइट रेज निकले। अच्छा एक बात बताओ, यहां से बहुत सारे रेज निकलेंगे अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहां से लाखों करोड़ों रेज निकलेंगे। लेकिन एक बात बताओ, क्या सारे रे इमेज बनाएंगे? क्या सारे रे इमेज बनाएंगे या नहीं? नहीं, सारे रे इमेज नहीं बनाएंगे, इमेज वही रे बनाएंगे जो मिरर से जाकर टकरा रहे हैं। अरे इमेज वही रे बनाएंगे जो मिरर से जाकर टकरा रहे हैं। तो बताओ मिरर से तो बहुत सारे रे जा रहे हैं, तो सिर्फ दो रे लेंगे, लेकिन फील्ड ऑफ व्यू मैं देखना चाहता हूँ। मैं क्या देखना चाहता हूँ? फील्ड ऑफ व्यू। अगर आपको सिर्फ इमेज बनाना होता तो आप दो रे कंसिडर करते, लेकिन कोई भी दो रे ले सकते थे, लेकिन 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 आपको क्या देखना है? फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है अभी समझाता हूँ। फील्ड ऑफ व्यू वो इलाका होता है जहां से कोई चीज आपको दिखता है, वो इलाका होता है जहां से कोई चीज आपको दिखता है, दैट इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू, है ना? दिखने वाला इलाका, अगर कोई चीज आप देखना चाहते हो तो वहां जाके अगर वो चीज दिख रहा है तो मतलब वो फील्ड ऑफ व्यू है। समझ में आ रहा है ना? अब जैसे इमेजिन करो, मान लो कि अगर इस ऑब्जेक्ट को आप देखना चाहते हो, इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हो, तो बता अगर आप यहाँ पे आपका आंख है तो क्या आप ऑब्जेक्ट को देख पाओगे? अगर आपका आंख यहाँ पे है तो क्या आपका आंख ऑब्जेक्ट को देख पाएगा? यस। क्यों देख पाएगा? क्योंकि इसके फील्ड ऑफ व्यू में ये दो रे यहां से निकल कर यहां जा सकते हैं। लेकिन सोच अगर कोई प्यारा गधेड़ा अपना आंख यहां रख देगा, क्या वो ऑब्जेक्ट को देख पाएगा? क्या इस ऑब्जेक्ट को ये वाला आंख देख पाएगा? नहीं देख पाएगा।
क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि क्योंकि ये फील्ड ऑफ व्यू में नहीं आता। तो ऑब्जेक्ट का भी अपना एक फील्ड ऑफ व्यू, जरा ध्यान से देख। तो ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो देखो, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे खड़ा ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्यों? क्योंकि यहां से निकलेगा रे तो जरूर, लेकिन मिरर इस रे को क्या कर देगा? ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, और मिरर इस रे को इस आग तक पहुंचने ही नहीं देगा। तो आप रियलिटी में क्या देखते हो, समझ में आ रहा? जो रे आपकी आंखों में आते हैं, ठीक है, आपका आंख उसी को प्रोसेस करके आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है, मतलब अब आप इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। तो ये वाला आंख, ये वाला इलाका फील्ड ऑफ व्यू में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप खड़े हो तो इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। क्या समझ में आया? अरे क्या समझ में आया फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या होता है? अरे क्या सबको समझ में आ गया फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या होता है? तो देखो, अच्छा जरा सोचो, ठीक है। तो अब जरा सोचो, मैं जब भी फील्ड ऑफ व्यू बोलूंगा तो ऑब्जेक्ट का नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा इमेज का। अगर एग्जाम में बोला जाए फील्ड ऑफ व्यू बताइए, तो आप समझ जाना कि इमेज की बात कर रही है। अरे किसका बात कर रहा है? इमेज की बात की जा रही है। अच्छा जरा ध्यान दो, मान लो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, अरे जरा सोचो ये हमारे ऑब्जेक्ट है और यहाँ से लाखों करोड़ों रे निकल रहे हैं, लेकिन फील्ड ऑफ व्यू का सवाल है, इसलिए मैं दो रे तो कंसिडर करूंगा, लेकिन इस बार कोई दो रे नहीं, इस बार दो इंपॉर्टेंट रे को आपको लेना होगा। जरा लॉजिक से बताओ, अगर आप दो इंपॉर्टेंट रे की बात करोगे तो देखो, एक ये वाला रे, अरे जरा ध्यान से देखो, और एक ये वाला रे, ये दो रे बड़े खास है, ये दो रे बड़े खास है। क्यों? क्यों? जरा सोचो, अरे यही दो रे डिसाइड करेंगे फील्ड ऑफ व्यू। क्यों? क्योंकि बाकी रे देखो, ये दो लास्ट रे है, क्योंकि इधर वाले बाकी रेस, अरे जरा ध्यान से देखो, इधर वाले बाकी रेस क्या करने वाले हैं? तो जरा ध्यान से देखो, इधर वाले बाकी रेस इमेज बनाने वाले नहीं, इधर वाले बाकी रेस इमेज बनाने वाले नहीं है, ये वाला रेस इमेज बनाने वाले। तो इनके बीच वाले जितने भी रेस है, ऑल रेस फॉर्म इमेज, क्लियर या नहीं? अच्छा इतना सोचो, कुतरा बोलेगा हाँ सर, ये दो लास्ट रे, समझ में आया? तो अगर आपको सिर्फ इमेज बनाने के लिए बोले तो आप कोई भी दो रे ले सकते, लेकिन अगर आपने किसी आपको किसी ने पूछा फील्ड ऑफ व्यू क्या, तो आप कोई दो रे नहीं ले सकते, आप दो इंपॉर्टेंट रे ले सकते। इंपॉर्टेंट रे कहने का मतलब वो रे जो मिरर तक, मिरर के लास्ट एंड तक जा रहे हैं, क्योंकि उसके बीच वाले तो सारे इमेज बना सकते हैं, उसके बीच में तो लाखों करोड़ लोग हैं, वो सारे के सारे इमेज बना सकते। अच्छा आपको समझ में आ गया फायदा क्या हो? अच्छा जरा ध्यान से देख, अब मिटाता हूँ ये सब, नाम में क्या रखा है, अरे जरा ध्यान से देख, ये रे यहाँ से जाके रिफ्लेक्ट हुआ। अच्छा जरा ध्यान से देख, ये रे यहाँ से जाके रिफ्लेक्ट हुआ। क्या ये बात आपको समझ में आया? अरे क्या ये बात समझ में आया? तो देखो, अगर आप इस पूरे इलाके को डिवाइड करोगे तो जरा ध्यान से देखो प्यारे बच्चे, तो आप समझ लोगे। अच्छा तो कोई इंसान यहाँ पे खड़ा होगे, अगर कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है या यहाँ पे खड़ा है, क्या वो इमेज को देख पाएगा? क्या वो इमेज को देख पाएगा? यस यन, अगर कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है क्या वो इमेज को देख पाएगा? अरे बोल बोल मेरे भाई, क्या वो इमेज को देख पाएगा? अरे एक बार यस सर, सर लिखोन रहे वाई या एन ही तो लिखना है। क्या वो इमेज को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट का देखो, ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे उसकी आंखों तक पहुंचाएगी, समझ में आ रहा है ना? सारा कमाल रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे का होता है। तो देखो, रिफ्लेक्टेड रे उसकी आंखों तक पहुंचाएगी, मतलब ये वाला इलाका। अच्छा एक बात बताओ, इस इलाके में क्या दिखेगा? ऑब्जेक्ट या इमेज? अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है तो उस इलाके में वो क्या देख सकता है? ऑब्जेक्ट या इमेज? अरे कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है तो उस इलाके में वो क्या देख सकता है? ऑब्जेक्ट या इमेज? फटाक से बताओ, हाँ इस इलाके में वो ऑब्जेक्ट देख सकता है, मतलब ये वाला इलाका फील्ड ऑफ व्यू है ऑब्जेक्ट का, लेकिन इमेज का नहीं है। इस इलाके में खड़ा होकर आप इमेज के बारे में सोच भी नहीं सकते। अच्छा आगे सोचो, अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, क्या वो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को देख सकता है? क्या वो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को देख सकता है? बिल्कुल देख सकता। अरे सोचो, क्या ये इमेज को देख सकता है ये बंदा? बिल्कुल देख सकता। अच्छा सोचो, तो ये वाला इलाका जहां से जहां तक खड़ा होके आप इमेज को निहार सकते हो, देख सकते हो, उस इलाके को हम क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है? तो देखो, ये आपका इमेज हो गया, और इसी इलाके को कहा जाता है फील्ड ऑफ व्यू। ये पूरा का पूरा इलाका आपका फील्ड ऑफ व्यू है। अरे बोल, समझ में आया? कुछ कुछ बुझाया? तो ये पूरा का पूरा इलाका आपका इमेज का फील्ड ऑफ व्यू है। आप यहाँ पे खड़ा होकर इमेज को देख सकते हो। अरे बोलो, क्लियर हो गया? आप यहाँ पे कहीं भी खड़ा हो जाओगे तो इमेज को देख सकते हो, ठीक है? इमेज को देख सकते हो। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे आपके आंखों तक पहुंच सकते हैं। ये दो तो लास्ट रे है, इसके बीच के तो बहुत सारे रे आपके आंखों तक आ सकते हैं। तो ये है इसका फील्ड ऑफ व्यू। अरे बोलो, क्लियर हुआ? क्या आपको सबको क्लियर हो गया इमेज का फील्ड ऑफ व्यू कैसे डिसाइड किया जाता है? क्या ये सबको क्लियर हो गया? क्या ये सबको क्लियर हो गया? एक बार सारे लोग मार्किंग करो, आगे बढ़ेंगे। एक बार सारे लोग मार्किंग करो, आगे बढ़ेंगे। फटाक से बताओ, क्या सब लोगों को क्लियर हो गया? वेरी गुड। अच्छा कुछ लोग, हाँ सर, कुछ कुछ चीजें। सो मार्किंग करना है आपको, क्लियर में आपको मार्किंग करना, आउट ऑफ 100 आपको कितना समझ में आया? क्लियर में आपको मार्किंग करना, जैसे मैं जब भी बोलूंगा तो आपको मार्किंग करना, आउट ऑफ 100 आपको कितना समझ में, आपको ऐसे लिखना, ठीक है? 100 लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और 90 से नीचे लिखेंगे तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगेगा, ठीक है? आप 90 से 100 के बीच में कोई भी मार्क्स लिखिए, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तब आप 90 से नीचे ये करेंगे मार्किंग, ठीक है? अच्छा आप कुछ लोग, हाँ सर, कुछ कुछ तो हवा लग रहा है सर, कुछ कुछ तो हवा लग रहा है। अब आगे देखो, अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या होगा,
अरे जरा ध्यान से अभी थोड़ी देर मैंने के लिए पहले क्या बोला था, अब फील करना, अब आप पूरा फील करोगे तो आपको मजा आएगा, आप पूरा फील करोगे तो आपको मजा आएगा। थोड़ा सा पिक्चर में बड़ा बना। अच्छा सोचिए आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका क्या था इमेज था। अरे देखिए ये वाला इलाका और ये वाला इलाका आपका क्या कहलाता था, फील्ड ऑफ व्यू कहलाता। बहुत क्लियर, अरे सबको फील आ गया ना, तो ये पूरा इलाका फील्ड ऑफ व्यू कहलाता था कि नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर सर, अच्छा 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 सर फोर मिटा दिए स्क्रीनशॉट। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपको मौका दूंगा। अरे मैं बार बार पढ़ाने के क्रम में क्या होता है ना भूल जाता हूँ, सॉरी फॉर दैट। ठीक है क्या कहते हैं, आदत से मजबूर है हम लोग। ठीक है मौका ही ठीक है ठीक। अच्छा जरा ध्यान से देख, कोई बात नहीं आप लिख लो फिर मैं मौका दूंगा आपको, तब तक इधर भी मुझे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना, तो मैं आपको लिखने का मौका दूंगा, आपको बीच में ब्रेक दे दूंगा 5 मिनट का। ठीक है 5 मिनट का मैं आपको ब्रेक दे दूंगा, सॉरी। ठीक है आप आगे देखते हैं और नेक्स्ट टाइम से नहीं दूंगा। अच्छा देखिए जरा ध्यान से देख, अच्छा सोच तो बता ये पूरा का पूरा इलाका फील्ड ऑफ व्यू, ये पूरा का पूरा इलाका फील्ड ऑफ व्यू। बेटा आप अपना आंखें रखोगे रेज आएंगे इमेज दिख जाएंगे, लेकिन जरा सोच अगर किसी ने इस मिरर को बीच से तोड़ दिया तो बोलो क्या होगा। अरे बोलो क्या होगा, इमेज अभी भी वही बनेगा, फिर फर्क क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा फील्ड ऑफ व्यू में, क्या फर्क पड़ेगा फील्ड ऑफ व्यू में। अरे जरा सोच जो रे पहले यहाँ आ रहे थे वो रिफ्लेक्ट होके जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे, तो फील्ड ऑफ व्यू पहले ये पूरा का पूरा इलाका था, अब बताओ फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा की घटा, इंक्रीज और डिक्रीज, आई या डी। अरे बताओ अब बताओ ये मिरर का बीच वाला सेक्शन मैंने हटा दिया तो बोलो फील्ड ऑफ व्यू बढ़ गया कि घट गया। अरे बताओ फील्ड ऑफ व्यू डिक्रीज कर गया, वेरी गुड डी हो गया, अरे फील्ड ऑफ व्यू घट गया। तो याद रखना मिरर के तोड़ देने से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब तक सेम है तब तक फील्ड ऑफ व्यू में फर्क पड़ता है तोड़ने और जोड़ने से, याद रखना इमेजेस में फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर ठीक है। अच्छा जरा सोच अब फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, तो जरा ध्यान से देख, एक रेज यहाँ से यहाँ जाएगा तो देखो अब जो फील्ड ऑफ व्यू एक इलाका ये कहलाएगा फील्ड ऑफ व्यू का और एक इलाका ये कहलाएगा फील्ड ऑफ व्यू का। मतलब अब आप यहाँ पे खड़ा होके इमेज को नहीं देख सकते, अब आप यहाँ पे खड़ा होकर इमेज को नहीं देख सकते, लेकिन जो बंदा यहाँ खड़ा है उसको अभी भी इमेज यही दिखेगा, जो बंदा यहाँ खड़ा है अभी भी उसको इमेज यही दिखेगा। सो इमेजेस विल बी सेम और दिस इलाका एंड दिस इलाका, तो फिर क्या होगा। तो जब आप मिरर के टुकड़े को हटा दिए इस तरह से रखे थे और बीच से टुकड़े को हटा दिए, असर सिर्फ किसमें पड़ता है, फील्ड ऑफ व्यू में, असर सिर्फ किसमें पड़ता है फील्ड ऑफ व्यू में। क्या ये बात एकदम पूरा क्लैरिटी से फील आ गया, क्या पिछले वाले सवाल का ये फील आ गया, क्या होता है रियलिटी में मिरर के टुकड़े को तोड़ हटा देने से रियलिटी में क्या होगा, आप सबको समझ में आ गया। क्योंकि बेटा यहाँ से जो रेज आएगा अब वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, ये सीधा पार हो जाएगा, यहाँ वाला जो रे होगा अब वो क्या हो जाएगा, सीधा पार हो जाएगा, और वो रे अब निकम्मे हो गए किसी काम के नहीं है। ठीक है वो रे क्या हो गए, निकम्मे हो गए किसी काम के नहीं है, क्लियर। अच्छा ठीक है एक बंदे ने बोला सर एक बार फिर से एक्सप्लेन की। अच्छा जरा सोचो ये हमारा ऑब्जेक्ट, जरा सोचो यहाँ से सोचो कि करोड़ रेच है, मान लेते तीन करोड़ रेच है, एक करोड़ ड्र दूसरा एक करोड़ ड्र और तीसरा एक करोड़। अच्छा ये एक करोड़ एक करोड़ एक करोड़ तीन करोड़ रेच इमेज बना रहे और तीनों करोड़ रे कहां इमेज बना रहे, इसी जगह पे है ना, तीन करोड़ रे उसी जगह पे इमेज। अगर सोच तुमने बीच से एक करोड़ वाला मिरर को हटा दिया, बीच से ये सेक्शन गायब हो गया, तो बता अगर ये सेक्शन गायब हो गए तो एक करोड़ एक करोड़ एक करोड़ बीच का एक करोड़ रे क्या हो गया, निकम्मा हो गया, किसी काम का नहीं है, वो जाएगा और सीधा पार हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट के लायक ही था भैया, ऑब्जेक्ट ही रह जाएगा क्योंकि वो रे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाए, वो रे कम्मा नहीं हो पाए, वो रे क्या है निकम्मा रे, समझ रहा। तो कुल टोटल अभी कितने रे हैं, दो करोड़ रे हैं। तो अब बताओ इमेज कितने रे बनाएंगे, दो करोड़ रे बनाएंगे, लेकिन खासियत क्या है देखो, एक करोड़ रे जो यहां से चले वो इधर की तरफ चले गए, अरे एक करोड़ रे इधर की तरफ चले गए और बाकी के एक करोड़ रे इधर चले गए और बाकी के एक करोड़ रे तो भैया इमेज बनाने के लायक ही नहीं रहे, क्या क्लियर हो गया। इसलिए जरा ध्यान से देखो तो समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या समझ में आ गया। तो जब आप मिरर को तोड़ते हो ठीक है, तो उससे क्या असर पड़ता है, नंबर ऑफ इमेजेस नहीं बदलता, इमेज का पोजीशन नहीं बदलता, अगर जब तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस से याद रखना ठीक है, इमेज का पोजीशन नहीं बदलता, तो बदलता क्या है, सिर्फ बदलता है फील्ड ऑफ व्यू, समझ रहा है। अब आपको इमेज वो हर जगह से नहीं दिखेगा जहां से आप सोचते हो। अच्छा सोचो ना कहीं घर में मिरर रखा रहता है तो आप क्या मिरर में ऑब्जेक्ट इमेज हर जगह देख लेते हो, नहीं आप मिरर में इमेज हर जगह देख लेते हो नहीं, आप देखना जब आप ऐसे चलते चले जाते हो तब आपको इमेजेस दिखता है, कुछ इलाके में इमेजेस दिखता है, क्या क्लैरिटी आ गई। एक सवाल भी कराऊंगा उसमें, सो बिल्कुल चिंता नहीं करना। क्या सबको फील आ गया, सबको फील आ गया एक बार यस सर बताओ, सबको फील आ गया तो मार्किंग करो एक बार, सबको फील आ गया तो मार्किंग करो, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ, सबको फील आ गया तो मार्किंग करो। अब देखो ठीक है, अब जैसे इस सवाल का देखो, अब आप इस सवाल का खुद फील्ड ऑफ व्यू बना के दिखाओ, इस क्वेश्चन का फील्ड ऑफ व्यू बना के दिखाओ, जरा देखो ये क्वेश्चन देखो। अच्छा मान लो ये मेरा एक प्लेन मिरर है, जरा सोच ठीक है, ये मेरा एक प्लेन मिरर है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, चलिए इसका फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ कीजिए।
आप कॉपी में इसका फील्ड ऑफ व्यू खुद से ड्रॉ कीजिए, कॉपी में आप इसका फील्ड ऑफ व्यू खुद से ड्रॉ कीजिए, फटाक से ड्रॉ करो सारे लोग, फील्ड ऑफ व्यू खुद से ड्रॉ करो सारे लोग, कॉपी में सारे लोग फील्ड ऑफ व्यू खुद से ड्रॉ करो। सारे लोगों ने कर लिया फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ, जो लोग कर लेंगे डन लिखेंगे, जो लोग कर लेंगे वो लोग डन लिखेंगे, जो लोग कर लेंगे वो लोग डन लिखेंगे। जिनका हो जाएगा डन, वेरी गुड। डन का मतलब डी भी होता है, ठीक है, डी एन डन भी बोलोगे, या इंग्लिश हम लोग को नहीं जानना है, ठीक है। अच्छा वेरी गुड, वेरी गुड आशुतोष, निधि वेल डन, नेहल ने भी डन, सनी कुमार ने भी डन, चलिए मिला के देखेंगे। और जिनका 100% मैच करेगा वो लोग बोलेंगे सर आलिज भाई, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, चलो सारे लोगों ने बना लिया इसके इमेज को, है ना, तो चलिए अब देखते हैं। देखो अच्छा इमेज कहां पे बनेगा, सबसे पहले हम ये, तो देखो ये है इसका परपेंडिकुलर लाइन, तो देखो इमेज ना बेटा यहीं पे बनेगा, इमेज कहां पे बनेगा, यहीं पे बनेगा। क्या ये सबका सही है, इमेज यहीं पे बनेगा, क्या ये सबका सही है, कितने लोगों का इमेज यहीं पे बन रहा है, मैं तो बड़ा कुछ लोग ऐसे बना मत, कितने लोगों का इमेज यहीं पे बन रहा है, वेरी गुड, इमेज यहीं पे। तो कुछ लोग बोलेंगे सर इमेज यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे मिरर वहां है ये नहीं, अरे मूर्ख जरा ठहरो तू। अच्छा इमेज यहाँ पे, अब देखिए एक रे ऐसे ले जाओ तीन, एक रे ऐसे ले जाओ तीन, जरा ध्यान से, ठीक है। अच्छा एक रे देखो, एक रे यहां से है तीन और एक रे यहां से है तीन, क्या फील आया, मैं कैसे बनाया पिक्चर, क्या फील आया मैंने कैसे बनाया पिक्चर, जरा ध्यान से देख। तो यहां से अच्छा इस ऑब्जेक्ट से तो बहुत सारे रे निकल रहे, अरे बहुत सारे रे निकल, बहुत सारे, बहुत सारे। अच्छा बता इधर भी रे है, इधर भी, लेकिन क्या ये रे इमेज बना पाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि वो रे को रिफ्लेक्ट होने का मौका नहीं मिला। लेकिन जरा ध्यान से देखो, इन दो रे के बीच में आने वाले बहुत सारे रे रिफ्लेक्ट होंगे और यही दो रे इमेज बनाएंगे, इन्हीं दो रे के बीच वाले जितने भी रे है सब इमेज बनाने के काबिल है। तो ये इसका फील्ड ऑफ व्यू हो गया, ये वाला इलाका इसका फील्ड ऑफ व्यू हो गया, मतलब इस वाले इलाके में कोई भी बंदा खड़ा होगा तो इमेज देख सकता है, इस वाले इलाके में कोई भी बंदा खड़ा होगा तो इमेज देख सकता है, इमेज यहीं पे दिखेगा, अरे बोल क्लियर। लेकिन अगर कोई यहाँ पे खड़ा होकर सोचेगा कि मैं इमेज देख लूंगा, ये पॉसिबल नहीं, कोई यहाँ पे खड़ा होकर सोचेगा कि मैं इमेज देख लूंगा, ये पॉसिबल नहीं, कोई यहाँ पे खड़ा होकर सोचेगा मैं इमेज देख लूंगा, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। लेकिन कोई यहाँ पे खड़ा है तो ऑब्जेक्ट और इमेज को प्यार से निहार सकता है, क्या ये सबको फील आ गया, समझ में आ गया। अच्छा कितने लोगों का ये 100% सही था, ये इसका फील्ड ऑफ व्यू, ये इसका रे डायग्राम है, वेरी गुड रोहन, वेरी गुड आशुतोष, क्या बात है, लाजवाब, वेल डन नितेश राज, 100% सही, वाह अभिषेक आलिजल, वेरी गुड, सब कुछ ठीक ठाक है, निधि वेरी गुड, वाह इतने लोगों को समझ में आ गया। चलिए ठीक है, एक और सवाल कराता हूँ, उसके बाद एक न्यूमेरिकल वर्जन करेंगे, एक सवाल और कराता हूँ उसके बाद न्यूमेरिकल, ठीक है। मुझे लगता है ये टॉपिक तो मैंने आपको थोड़ा सा फील करा ही दिया है, ठीक है। चलिए एक और छोटा सा सवाल कराता हूँ, अच्छा देखते हैं, चलिए अच्छा इस सवाल को तो आप समझ गए, अब चलिए जरा देखते हैं कि आप कितना ये चीजें फील कर पाए, ठीक है। सबको फील आ गया, एक बार ये सर लिखे, क्या सब लोगों को ये एकदम कंसेप्ट फील आ गया, तो अब तो फंडेड आपको कितना समझ में है, सारे लोग देखो भाई जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स है सारे लोग लिखा करो, थोड़ा सा मेरे को भी कॉन्फिडेंस मिलता है ना, तो मेरे को भी इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है। चलिए हाँ वेरी गुड, अच्छा कुछ लोग हाँ सर कुछ कुछ चीजें फील आ रहा है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड मनीष, वेरी गुड हिमांशु, चलिए एक और सवाल कराता हूँ, ठीक है। आप उधर नंबर मार्किंग करते रहिए, तब तक मैं एक सवाल कराता हूँ, जरा ध्यान से देखिए, सोचिए मान लीजिए कि ये मेरा मिरर है, देखिए ये मेरा प्लेन मिरर, जरा ध्यान से देखिए ये मेरा प्लेन मिरर है, और इस बार मैंने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट रखा ऑब्जेक्ट वन, और इस बार मैंने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट रखा ऑब्जेक्ट टू, जरा ध्यान से देखिए। चलिए आप वो इलाका डिसाइड करके बताइए बाय द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, आप रे डायग्राम खुद से ड्रॉ कीजिए और उस इलाके को डिसाइड करके बताइए, ध्यान से सुनिए, उस इलाके को डिसाइड करके बताइए जहां पे कि दोनों इमेज एक साथ दिख सकता है, वो इलाका डिसाइड कीजिए, इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट का इमेज एक साथ दिखे, वो कौन सा इलाका है, सो फाइंड दैट रीजन, फाइंड द फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है, फॉर इमेज वन एंड टू, इमेज वन और टू दोनों दिखे वो कौन सा इलाका है, चलिए फटाक से ड्रॉ कीजिए, चलिए सारे लोग ड्रॉ कीजिए, सारे लोग इसके पेन पेपर लेके रख लेना, सारे लोग ड्रॉ करो, मैं टाइम दूंगा आपको, कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है, टाइम लीजिए बिंदास, चलिए ड्रॉ कीजिए, बन गया,
मना सारे लोगों का बन गया। अच्छा सर, यस सर, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई? रोहन, ऋतिक राज, यस सर, वेरी गुड, बहुत अच्छे सैफ, सारे लोगों का बन गया। चलिए तो मैं बताऊं या तुम लोग कर लोगे? मैं बताऊं या आगे बढ़ू? मैं कर दूं क्या? तुम लोग बोलोगे तो डन डन, वेरी गुड, डन, वेल डन। चलिए मैं यहाँ पे मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, जरा सोचिए। डन 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 डन, वेल डन सर, बता दीजिए। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, चिंता नहीं करना। अच्छा जरा ध्यान से, ये हमारा ऑब्जेक्ट वन है, ये हमारा ऑब्जेक्ट टू है। अच्छा पहले ऑब्जेक्ट वन का देखिए कि कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट वन को देखा जा सकता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट वन है तो इसका इमेज इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे बनेगा। तो पहले ही आप इसके रे ड्रॉ कर लीजिए, इसमें और इसमें, समझ में आ रहा है क्या? तो देखिए आप अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो देखिए ऐसे, ऐसे, क्या ये सबको समझ में आ गया रे डायग्राम कैसे बनाया जाता है? जरा ध्यान से देखिए, ये हो गया ऑब्जेक्ट वन का, आगे देखिए। अच्छा उसी तरह से देखिए इसका अगर आप देखेंगे तो जरा ध्यान से, ये रे ऐसे आएगा ना देखिए, और यहाँ पे चेक करेंगे तो आई और आर अच्छा लगेगा। यहाँ पे भी देखिए आई ज्यादा है तो ये ऐसे, क्लियर? तो देखिए ये ऑब्जेक्ट वन का, ये ऑब्जेक्ट वन का फील्ड, ऑब्जेक्ट वन को आप यहां से यहां तक पूरा इलाके में देख सकते हैं। क्या ये सबको समझ में आ गया? एक बार यस सर लिखो, क्या ऑब्जेक्ट वन का फील्ड ऑफ व्यू सबको क्लियर? क्या ऑब्जेक्ट वन का फील्ड ऑफ व्यू सबको क्लियर है? ये सब गधेड़े हैं रे। कतरा बोले हाँ सर क्लियर है। अच्छा कतरा बोले सर ऑब्जेक्ट टू का फील्ड ऑफ व्यू, अच्छा कुछ लोग मैं चाहता तो मैं अलग अलग कलर का पेन यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि पिक्चर कैसे बनाया जाता है सेम कलर से। ठीक है, ये सब चीज सीखने का है। ठीक है, नहीं तो मैं अलग अलग करके आपको और पिक्चर को मजेदार बना सकता हूँ, लेकिन पिक्चर में आप ही को दिक्कत क्या होगा समझे? आप एग्जाम में बैठोगे, आपके पास अलग अलग कलर थोड़ी होगा, सेम पेन से आप कैसे करोगे? इसलिए मैं पिक्चर को एक ही पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या समझ में आ रहा है मेरा पिक्चर को ड्रॉ करने का? नहीं तो मेरे पास तीन अलग अलग कलर है, मैं पिक्चर थोड़ा सा इजी और मजेदार बना सकता हूँ, लेकिन मैं इजी और मजेदार बनाने का नहीं चाहता, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि पिक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। अच्छा ये ऑब्जेक्ट वन का था, अब सवाल है ऑब्जेक्ट टू का कैसे ड्रॉ करें? तो देखो ऑब्जेक्ट टू का अगर बात करेंगे तो इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, ये हो गया इमेज टू। अब सवाल है सर इसके रे डायग्राम को कैसे समझेंगे? अच्छा तो सेम कलर का यूज करें या डिफरेंट? एस या डी? सेम कलर का यूज करके बना दिया या डिफरेंट? क्या चाहते हो तुम लोग, सेम या डिफरेंट, एस या डी? हाँ ये सेम, अच्छा सेम कलर, डिफरेंट, सेम 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 सेम, वेरी गुड, ज्यादातर लोगों ने सेम पे वोट मारा। चलिए अच्छा जरा देखिए कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, है ना? तो एक रे देखिए इस ऑब्जेक्ट टू का एक रे यहां से, है ना? तो देखो ये गया ऑब्जेक्ट टू, इसको डबल एरो देखो, क्योंकि डबल एरो का मतलब मैं ऑब्जेक्ट टू की बात कर। तो देखो एक रे ऐसे गया ट्र, ये देखो ऐसे गया ट्र, फिर ऐसे चला गया ट्र, ये ऑब्जेक्ट टू। अच्छा एक रे देखो ऐसे गया यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट टू, जरा ध्यान से डबल एरो, एक रे ऐसे आएगा तो देखो डबल एरो आया ट्र, तो डबल एरो इंडिकेट करा है, समझ में आ रहा है ना? डबल एरो इंडिकेट करा है ऑब्जेक्ट टू के लिए, सिंगल एरो इंडिकेट करा ऑब्जेक्ट वन के लिए। अच्छा जरा ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा, ये वाला इलाका जरा ध्यान से, तो ये वो इलाका है यहां से लेकर यहां तक आपको ऑब्जेक्ट टू का फील्ड ऑफ व्यू, यानी यहां से लेकर यहां तक आपको ऑब्जेक्ट टू दिखेगा। अरे बहुत समझ में आया, आप यहां से लेकर यहां तक कहीं भी खड़े हो जाओ ऑब्जेक्ट टू दिखेगा। चलो हमने कहा ठीक है, अच्छा आगे देख, आगे देख ऑब्जेक्ट टू दिखेगा। और जरा देख यहां से लेकर आप यहां तक अगर खड़े हो जाते हो, यहां से लेकर यहां तक, तो आपको क्या दिखेगा? ऑब्जेक्ट वन दिखेगा। अरे बोल समझ में आया, अरे बोल समझ में आया। अब आप आगे देखो तो ऐसा कौन सा इलाका है जहां पे आपको दोनों दिखे? तो जरा देख, तो ब्लू लाइन और रेड लाइन का जो इंटरसेक्शन होगा, तो ये वो इलाका है जहां पे आपको दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ दिखे। तो यहाँ पे सॉरी इमेज, जब भी मैं बोल रहा हूँ इमेज की बात कर रहा हूँ, जब भी मैं बोलूंगा इमेज की, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होगा। इमेज, ठीक है, ये इमेज है, तो इमेज टू और इमेज वन, है ना, ऑब्जेक्ट का इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वन एंड टू दोनों के इमेज दिखे, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यहाँ पे आपको वन एंड टू दोनों के इमेज दिखेंगे, क्लियर एकदम? अच्छा तो अब अगर तुम देखोगे तो चार इलाका में डिवाइड हो गया, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, सॉरी चार नहीं पांच, जरा देखो चार पांच इलाके में डिवाइड हो गया। बताओ रीजन वन में, बताओ रीजन वन में कौन दिखेगा, वन या टू या कोई नहीं? देखो ऑप्शन देता हूं, ध्यान से देखो, ऑप्शन वन बी टू, जरा ध्यान से सुनो, कोई नहीं दिखेगा, वेरी गुड, हाँ रीजन वन में कोई नहीं दिखेगा। अरे रीजन वन में कोई नहीं दिखेगा, अरे पागलेटो जरा सोच, रीजन वन में कोई नहीं दिखेगा क्योंकि इधर तो कोई रे आ ही नहीं रहा, अरे इधर कोई रे आ ही नहीं रहा ना रे, अभी ऑप्शन क्या दूं, समझ में आया? रीजन टू में कोई नहीं दिखेगा, के एन भी लिख सकते, अच्छा सॉरी रीजन वन, रीजन टू में कौन सा दिखेगा, रीजन टू में कौन सा दिखेगा, रीजन टू में कौन सा दिखेगा, वेरी गुड, रीजन टू में टू वाला दिखेगा,
क्योंकि देखो यहाँ टू का रे आ सकता है, तो रीजन टू में आपको टू वाला दिखेगा। वेरी गुड, रीजन टू में आपको टू वाला दिखेगा। अच्छा रीजन थ्री में कौन दिखेगा? रीजन थ्री में किसका इमेज दिखेगा? वन एंड टू। वेरी गुड, रीजन थ्री में आपको वन एंड टू दिखेगा। अच्छा रीजन फोर में कौन दिखेगा? रीजन फोर में सिर्फ कौन दिखेगा? रीजन फोर में सिर्फ कौन दिखेगा? तो रीजन फोर में सिर्फ वन दिखेगा। वेरी गुड। अच्छा रीजन फाइव में कौन दिखेगा? रीजन फाइव में कौन दिखेगा? अरे पटाख से बताओ, रीजन फाइव में कौन दिखेगा? कोई नहीं दिखेगा। वेल डन, वाह क्या बात है, लाजवाब, शानदार, चांदा, क्या असरदार आंसर दे तुम, दिल गार्डन गार्डन हो गया, बहुत अच्छा। क्या हो गया न्यूमेरिकल? किया जाए आईआईटी के लेवल का, आईआईटी में सवाल आ चुका है, क्या करना चाहोगे? क्या एक न्यूमेरिकल किया जाए? कुछ लोग काय करेंगे गुरु जी, पगला गए कथन न्यूमेरिकल ना करने का, ठीक है? आप कंसेप्ट पे क्लैरिटी रखो, आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं गारंटी दिला रहा हूँ आपको ऑप्टिक्स रटना नहीं पड़ेगा। और हमारे पास तो ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्र है जो अभी तक तो चले ही नहीं है, सोचो अभी तो मैंने कोई अस्त्र का यूज भी नहीं किया इस टॉपिक में। क्लियर? क्या सबको फील आ रहा है? ठीक है। अच्छा मैं बताओ, आउट ऑफ हंड्रेड अभी तक फील्ड ऑफ व्यू आपको कितना क्लियर हुआ? सारे लोग मार्किंग करो, तब तक मैं सवाल बनाता हूँ। आउट ऑफ हंड्रेड आपको अभी तक ये टॉपिक कितना क्लियर हुआ? सारे लोग मार्किंग करो, सारे लोग ईमानदारी से मार्किंग करो, ताकि मैं आपको ये, चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मार्किंग जितना फटाफट करोगे आपका टाइम उतना सटासट बचेगा, ठीक है? आउट ऑफ हंड्रेड में ही सारे लोगों को मार्किंग करना होता है, ठीक है? चलिए एक बेहतरीन सवाल कराता हूँ, उम्मीद करते हैं ये सवाल का आंसर सारे लोग दे पाएंगे। जरा ध्यान से सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए, सवाल को सुनिए, सवाल का जरा ध्यान से सुनिए, ठीक है? चलिए सवाल को बड़े प्यार से सुनिएगा, सवाल को इज्जत दीजिएगा, सवाल आपको इज्जत देगा, ठीक है? और आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा सब दिलाएगा, चलो बड़े मशहूर पगलाएगा, है ना? हाँ चलो देखते हैं, ठीक है? तो चलो, अच्छा वो कुछ बेवड़े बैठे हैं आज, हाँ वहां जो डिस्टर्ब करते थे वो बेवड़े हैं कि नहीं? चलो सर कहाँ है वो बेवड़े, जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक है? चलो इस सवाल को जरा देखो, फील कर, देखो एक मिरर है, चलिए मैं आपको फील कराता हूँ। एक मिरर है, नंबर गेम पे अभी मैं नहीं जाता, मैं कंसेप्चुअल गेम पे जाता। देखो ये मिरर है, ये इसका इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इधर ये किया हुआ है, ठीक है? हाँ चलो देखो जरा ध्यान से, तो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्लियर? अच्छा सोच, इस मिरर की लेंथ कितनी है? 2 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मिरर? 2 मीटर। तो अच्छा देखो, और इस मिरर से बीचों बीच एकदम मिड में, ध्यान से एकदम मिड में 1 मीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जरा ध्यान से 1 मीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। देखो मिरर से एकदम मिड में, याद रखना सिमेट्रिकल, मतलब मिरर 2 मीटर का, इधर भी 1 मीटर है, इधर भी 1 मीटर, ये सब चीज आप समझे, मैं और इससे ज्यादा नहीं बताऊं। तो देखो यहां मिरर से 1 मीटर के दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्लियर? और देखो, और एक आदमी क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, जरा समझ लो, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ये पिक्चर को अगर फील करना चाहोगे तो कुछ ऐसा है, मान लो कि ये आपका मिरर है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? यहां से 1 मीटर के दूरी पे, और एक आदमी यहाँ दूर से, देखो दूर वाले में यहाँ से चल रहा है, गिट 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 गिट। अच्छा अच्छा मान लो कि यही मिरर है, सोचो, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, और मैं यहाँ से चल रहा हूँ, देखो मैं ऐसे चल रहा हूँ, और मिरर को ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ देखते हुए चल रहा हूँ, टिंग 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 टिंग। अरे कुछ समझ में आया? कुछ ना बोलेगा बेटा मशरूम पगला गया। अरे बहुत समझ में आया सबको, ठीक है? क्लियर? तो अब आपको बताना है, अब आपको बताना है कि उस इंसान को जरा ध्यान से, ठीक है? और यहां से इसकी डिस्टेंस 5 मीटर आप ले लो, बड़े प्रेम से ये डिस्टेंस यहां से कितना? 5 मीटर। अरे ये इंसान, और ये एक लाइन में चल रहा है, एक एक बंदा इस लाइन में चल रहा है, जरा ध्यान से देख, एक बंदा इस लाइन में चल रहा है। तो बताओ कि इस लाइन का कितना लेंथ, इस लाइन का कितना लेंथ में ये बंदा इस इमेज को देख पाएगा, इसके इमेज को देख पाएगा, इस ऑब्जेक्ट के इमेज को देख पाएगा? तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट लाइन? क्लियर? अरे समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कितना ये बंदा चलेगा, डिंग 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 डिंग, तो हो सकता है इमेज कहीं दिखे, तो कितने लेंथ में, इस रास्ते के कितने सेगमेंट में, कितने पार्ट में आपको इस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देगा? मतलब चलता हुआ बंदा जब ऐसे चलेगा, दिखा रहे दिखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको टाइम देता हूँ, आराम से सॉल्व कीजिए, मैं आपको टाइम देता हूँ, आराम से सॉल्व कीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए, बिंदास बने। हाँ तो जरा ध्यान से देख, अरे जरा ध्यान से देख, तो देख ये वो लेंथ है, अरे ये वो लेंथ है, जरा ध्यान से देख। अच्छा आपने रे ड्रॉ किया, फिर से सुना, एक रे यहां से चला गाना गाते हुए तरम पम बम पम, एक रे यहां से गाना गाते हुए चला तरम पम बम पम, समझ में आया? और देख, तो अच्छा बताओ इसका फील्ड ऑफ व्यू कौन सा इलाका है?
तो जरा आप देखो तो इसका फील्ड ऑफ व्यू सिर्फ यही वो इलाका है। अरे यही वो इलाका है जो इसका फील्ड ऑफ व्यू में आता है। कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर कुछ कुछ बुझाता है। अच्छा देख अगर ये फील्ड ऑफ व्यू है तो इतना ही लेंथ होगा ना। अगर ये इंसान यहाँ से चलना शुरू किया देख डिंग डिंग इमेज दिखेगा नाम ना ना डिंग 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 नाम दिखा 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 अब तो पूरा दिख रहा है सर मजा से दिख रहा है टिंग 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 अब इसके बाद फिर नहीं। तो मतलब दिस इज द लेंथ ये वो लेंथ है जहां पे इमेज दिखेगा है ना। अब सवाल उठता है कि अगर ये लेंथ में इमेज दिखेगा तो ये लेंथ निकालेंगे कैसे। अब बचा ज्योमेट्री जो मेरा पार्ट नहीं है वो अब आपका पार्ट है। फिर भी एक बार ज्योमेट्री कर देते हैं कुछ गधेड़े हैं। अरे बात होता अगर जरा ध्यान से बताइए एक मीटर तो ये वाला एंगल कितना अरे ये वाला एंगल कितना एक बार चैट बॉक्स में लिखने में क्या आ जाता है। अरे चैट बॉक्स में लिखने में क्या जाता है अरे लिख पटाख से बेकूफ अरे लिख रहे भाई 45 डिग्री समझ में आए 45 डिग्री हो गई ये होगा 45 डिग्री। अच्छा ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कैसे हो गया 45 डिग्री। बेटा अगर ये समझ में नहीं आया ना ये 45 डिग्री तो ये 45 डिग्री कैसे हो गया मतलब बेटा पिछला जन्म में जरूर कुछ पाप किया है। एक बार जाके गंगा नहा ली डुबकी लगा लो और ऊपर मत आना वहीं बेटा डूब के रह जा समझ में आ रहा है I is equal to R रे मेरे भाई। अच्छा आगे देख यहाँ पे देख अच्छा तो ये वाला भी एंगल 45 डिग्री। अब मत पूछना सर कैसे दोबारा मत पूछना ठीक है ये भी एंगल 45 डिग्री क्लियर। अच्छा देख अगर ये 45 डिग्री हुआ तो देख तो ये लेंथ तो बता ये परपेंडिकुलर बाई बेस सेम होगा ना। अरे परपेंडिकुलर बाई बेस सेम होगा ना तो बता अगर ये 5 मीटर है मेरे प्यारे गधेड़े को तो ये भी तो 5 होगा। अच्छा उसी तरह से जरा ध्यान से देख अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा सो ये भी 5 ये भी 5 हम 5 क्या क्लियर हो गया। अरे जरा देख तो ये भी 5 ये भी 5 अब बचा बीच का ये अरे ये लेंथ कितना है मेरे भाई तो 2 मीटर। अरे बोल समझ में आया तो ये लेंथ है 2 मीटर। तो देखो तो टोटल लेंथ कितना होगा जहां पे कि आपको इस प्यारा सा ऑब्जेक्ट का इमेज दिखेगा तो जरा ध्यान से देख ये टोटल लेंथ कितना हुआ समझ में आया ना। तो आपको इमेज इन्हीं इलाके के बीच में दिखेगा तो इस पाथ का कितना लेंथ में आपको इमेज दिख रहा है तो आंसर इज हाउ मच 5 + 2 + 5। अब मुझे नहीं लगता कि आपको ये नहीं पता है 5 + 2 + 5 12 होता है मतलब द पाथ लेंथ इज 12 वेरी गुड। जिन लोगों ने सही आंसर दिया तो इंस्टीट्यूट के हो बहुत अच्छे शानदार। तो इसका आंसर होगा 12 मीटर। क्या अब सबको फील आ गया फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाते हैं। सर आप बोले थे 2 मीटर और 2 मीटर और अरे बेवकूफ 2 मीटर ये लेंथ ऑफ द मिरर बोले थे ये वाला 2 मीटर है ये 2 मीटर बोले थे अरे ये 2 मीटर बोले थे टोटल लेंथ ऑफ द मिरर 2 मीटर तो ये 1 ही मीटर ना हुआ ये 1 मीटर ना हुआ तो अच्छा ये 2 मीटर हुआ समझ और ये तो 5 हुआ ना। अब पूछो कैसे क्लियर ये 5 हुआ ये 5 क्या एकदम फील आ रहा है सर सर को नहीं तुम लोगों को फील आ रहा है सर को तो फील है। अच्छा हाँ फील आ रहा है सबको क्या सबको फील आ रहा है ना सर उको लगा हमको लगा 4 मीटर अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो गया ना अरे बाबा कंसेप्ट क्लियर है ना रहा हाँ वेरी गुड सारे लोग एक बार लेकर सर को ताकि आगे बढ़ा जाए क्या फील्ड ऑफ व्यू सबको क्लियर सारे लोग मार्किंग करो और आगे बढ़े ठीक है सारे लोग मार्किंग करो और आगे बढ़ेंगे चलिए पढ़ाक से सारे लोग मार्किंग करिए वेरी गुड सब लोग मैं जब तक 100 नहीं देता मुझे तसल्ली नहीं मिलती ये 99.99 क्या है लिमिट पड़ रहा है क्या ट्रेंडिंग में मार रहा है आंसर मनीकाम 99 सैफ वेरी गुड हाँ चलिए। तो मुझे लगता है ये मैंने आपको समझा दिया फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है फील्ड ऑफ व्यू और मुझे लगता है आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ इमेजेस और फील्ड ऑफ व्यू से किस तरह से गिज़ होता है ना। चलिए अब अगला टॉपिक हम लोग एक और टॉपिक ड्रॉ करते हैं अभी बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे दो पैरेलल मिरर्स। अच्छा कभी तुम बार्बर यानी बार्बर मतलब सैलून ठीक है कभी तुम सैलून में गए होगे तो देखना सैलून में जा देखना दो रूम नहीं एक रूम दो दीवार होते हैं ऐसे तो दीवार 4 होते हैं ठीक है। कुछ लोग बड़े शौक है और ही पता है कितने को दीवार होता है पगला गया है ऐसा मुझे भी लग रहा है कि मैं पागल हो गया है ना 99.9 वाले ग्रेस मार्क्स देके 100 और अच्छा अभी से ठीक है। अच्छा तुम लोग को फिजिक्स बोरिंग लगता है क्या फिजिक्स बोरिंग लगता है क्या एक बार बताओ तो अगर मैं तुम्हें पानी पिताऊ टॉपिक बदल रहा हूँ तो माइंड भी बदल रहा हूँ ठीक है। तो अगला टॉपिक है नंबर ऑफ हाँ बिल्कुल नहीं अरे अभी कहाँ अभी तो शुरू हुआ है पार्टी तो अभी शुरू हुई है ठीक है पार्टी तो अभी शुरू हुई है ध्यान रखते हैं धंधे में दारू रखते हैं बैठे में
अब चलिए एक और टॉपिक समझाता हूँ, ठीक है, एक और टॉपिक समझाता हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लेना, धीरे धीरे करके मैं सब कुछ, हाँ फील आता है तो ये मजा है बहुत, नहीं तो बोलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिजिक्स में यही कहा सर, अगर फील आए तो बहुत मजा। चलिए एक और टॉपिक मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा फील करते हैं हम लोग टॉपिक को, है ना, तो जरा ध्यान से देखिए। अच्छा आप जब सलून में गए होगे तो देखना बेटा दो शीशे लगे होते हैं और दोनों शीशे पैरेलल होते हैं, कितने होते हैं पैरेलल, ठीक है, तुम देखना, तू बेटा ऐसे देखेगा तो तुम्हें लगेगा बेटा तू एक नहीं है करोड़ों है, ऐसा तुझे नहीं लगता क्या? तू जब शीशे को देखता है, जब तू देखता है, अगर एक शीशा होता तो तू एक ही दिखेगा, है ना, तुम एक दिखेगा वहां, लेकिन जब तुम्हारे पीछे भी शीशा, शीशा के पीछे शीशा, एंड शीशा एंड शीशा, समझना है, एफ शीशा मत बोल देना, तो बहुत सारे शीशे और तुम्हारा तुम्हारा थोड़ा बीचे में, और तुम ऐसे देखोगे तो लग तुम डर जाओगे, लगा ना हम बहुत है तो तुम डर जाओगे, तुम कितने दिखते हो? अच्छा दो पैरेलल मिरर के बीच में एक ऑब्जेक्ट रख देंगे तो उसके कितने इमेजेस बनेंगे, बता सकते हो कोई, उसके कितने इमेजेस बनेंगे, कोई बता सकता है कितने इमेजेस बने? ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही बोलो बोलो कुछ भी, अभी तो कंसेप्ट पढ़ा नहीं, इनफाइनाइट, वेरी गुड रोहन, इसके बहुत सारे इमेजेस बने। अच्छा बहुत सारे इमेजेस बनेंगे तो मेरा इस मुंडी का, मेरा इस मुंडी का बहुत सारा इमेज बनेगा, बहुत सारा। अच्छा इमेज बनेगा, क्या सारे इमेज एक जगह बनेंगे या अलग अलग जगह बनेंगे? क्या सारे इमेज एक जगह बनेंगे या अलग अलग बनेंगे? क्या सारे इमेज सेम या अलग, सेम या अलग, सेम या अलग, सारे इमेज एक जगह बनेंगे या अलग अलग जगह पे बनेंगे? तो सारे इमेज अलग अलग जगह पे बनेंगे, आप शॉर्ट वर्ड यूज कर सकते हो, सेम के लिए एस, अलग के लिए ए, डिफरेंट के लिए डी, कोई दिक्कत नहीं है, तो सारे इमेजेस अलग अलग जगह पे बनेंगे, वेरी गुड। अब ये मेरा मन तो कर सकता है कि सर जो इमेज वहां बन रहा है कहां कहां पे बन रहा है जरा बताइए, ये तो मन पूछ ही सकता है ना हमसे, अरे मन है कौन रोक सकता है मन को पूछने से, तो मन हमारा ये सवाल मुझसे पूछ सकता है कि अगर इतने सारे इमेजेस बन रहे हैं तो कहां कहां पे बन रहे हैं, क्या ये मन नहीं पूछ सकता है क्या? अरे पूछ सकता है ना, तो चलिए अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि अगर सारे इमेजेस बन रहे हैं तो कहां कहां पे बन रहे हैं, क्लियर? तो अब हम लोग यही चीज देखने की कोशिश करेंगे, क्या सबको ये बात फील आ रही है, क्या ये सबको फील आ रही है? तो चलिए लेट्स टेक अ लुक ऑन दिस। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग लेते हैं दो मिरर, दो पैरेलल मिरर, ठीक है, तो हम लोग गेम को समझने के लिए दो पैरेलल मिरर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, और बोर्ड इतना बड़ा नहीं है इसलिए मैं छोटा पिक्चर ड्रॉ करूंगा, देखो थोड़ा सा समस्या, बोर्ड बड़ा नहीं है, ठीक है, ये क्लासरूम वाला बोर्ड नहीं है, ये जुगाड़ू बोर्ड है, क्लियर, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास दो मिरर है, चलिए फील करते हैं, और ये दोनों मिरर के बीच में हमारा 5 मीटर का डिस्टेंस, ठीक है, और ये इसका वो सरफेस, देखिए समझ में आ रहा है सबको पिक्चर, क्या पिक्चर में सबको क्लैरिटी दिख रहा है, क्या पिक्चर सबको समझ में आ गया, क्या मैं कहना चाहता हूं? अब बेटा मास्टर जी के पीछे मत पड़ जाना, सर आपका मिरर वो सीधा नहीं बन रहा है, ठीक है, ये हमारे मिरर, ठीक है, ठीक है। अब देखो 5 मीटर, अच्छा 5 मीटर है, जरा ध्यान से देखना, ये हमारा 5 मीटर, जरा फील करते हैं, सोचो यहां से 2 मीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखे, तो बता यहां से 2 मीटर तो यहां से कितना मीटर, अगर यहां से 2 मीटर तो यहां से कितना मीटर, अरे लिख रहे भाई, पता चलेगा कि तुम लोग सिंसियरिटी से देख रहे हो, 3 मीटर, वेरी गुड, हाँ अनुराग के अलावा कोई और नहीं देखता है क्या, वेरी गुड, अरे तुम लोग लिखने में क्यों कंफ्यूज कर, लिखोगे तब ना पता चलेगा कि लोग भाई क्लास में है, सर सब कौन लिखेगा, इज्जत हमारा कबाड़ा हो रहा है बेटा, इतना इज्जत वाले तो नासा होते ना, ठीक है, तो देख वेरी गुड, तो ये हो गया हमारा 3 मीटर, चलिए क्लियर। अच्छा अब आगे देखते हैं, अच्छा बता यहां से कितने रे निकलेंगे, अरे बता यहां से कितने रे निकलेंगे, 1, 2 या लाखों, अरे बता इस ऑब्जेक्ट से कितने रे निकलेंगे, बता इस ऑब्जेक्ट से कितने रे निकलेंगे, 1, 2 या लाखों, अरे सही बोला लाखों निकलेंगे। अच्छा बता यहां से, अरे करोड़ों करोड़ों, वेरी गुड वेरी गुड, मान लो इस ऑब्जेक्ट से करोड़ रे निकल रहे हैं, अरे मान लो इस ऑब्जेक्ट से टोटल रे करोड़ निकल रहे, 1 करोड़ रे, तो अगर 1 करोड़ रे निकल रहे हैं तो बताओ यहाँ पे कुछ रे इधर की तरफ जाएंगे और कुछ रे इधर की तरफ जाएंगे, तो मान लीजिए कि ये मेरा मिरर 1 है और ये मेरा मिरर 2 है, अरे मान लीजिए ना रे भाई क्या जाता है, ये मेरा मिरर 1 है, ये मेरा मिरर 2 है, मिरर 1 से इस ऑब्जेक्ट की दूरी 2 मीटर, मिरर 2 से इस ऑब्जेक्ट की दूरी 3 मीटर, कुछ लोग बोलेंगे सर खाली मीटर है मीटर हो रहा है, अब आगे बढ़ते हैं, जरा सोच, अच्छा हम जरा देख जहां से आपके करोड़ों रे निकल रहे हैं, हो सकता है अगर मेरे इस मुंडी से करोड़ों रे निकल रहे हैं तो 50 लाख रे इधर से इधर की तरफ जा रहे हो,
और 50 लाख रे इधर से इधर की तरफ जा रहे हो। अरे हो सकता है कि नहीं, तो देखो यहाँ से आधे रे इस मिरर में जाएंगे और आधे इस मिरर में जाएंगे। तो बेटा 50 लाख को आप एट अ टाइम ट्रैक करोगे तो बुढ़ापा आ जाएगा, तो हम क्या बुद्धि लगाएंगे। हम किसी एक रे से ही पिक्चर को समझाने की कोशिश करेंगे, किसी को कोई शक इस 50 लाख रे का एक रे ही हम काफी है गेम को समझाने के लिए। क्या सबको क्लियर है? एक बार ये सर लिखो, क्या ये सबको क्लियर है? अरे क्लियर है तो एक बार सारे लोग ये सर लिखो। वेरी गुड, सबको क्लियर है, वेल डन। हाँ कुछ लोग अपने पीछे जाके क्या देखते हो, है ना, तो मैं मोबाइल का लगातार डाटा चेक करता रहता हूँ, ठीक ठाक स्पीड जा रही थी, ठीक है। अच्छा वेरी गुड, अब आगे बढ़ते, अब आगे बढ़ते, चलो चेक करते, है ना। अब जरा ध्यान से सुन, कुछ लोग, हाँ सर, अच्छा बताओ यहाँ से बहुत सारे रे जाएंगे, 50 लाख इधर 50 लाख इधर, तो मैं क्या करूँगा, इस 50 लाख में से किसी एक रे को लूंगा। इधर पहले एक रे का नेचर को समझते हैं, उसके बाद इधर वाले को भी समझेंगे, कोई शक वाली बात नहीं है। तो जरा देखते हैं क्या होने वाला है, जरा देखते हैं क्या होने वाला है। तो देखो एक रे यहाँ से गाना गाते हुए गया तरम पम। अच्छा बताओ इस मिरर के लिए, अरे जरा ध्यान से देखो, अरे जरा ध्यान से देखो, उनको मारकर गिर गया। अरे जरा ध्यान से देख, इस मिरर के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस मिरर के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। कुछ फील आया? क्यों ऑब्जेक्ट? क्योंकि ये तो इंसिडेंट रे। अरे बहुत समझ में, अच्छा आगे तो बताया, ये मिरर कितने दूरी पे इमेज बनाएगा? ये मिरर इस ऑब्जेक्ट का कितने दूरी पे इमेज बनाएगा? फटाक से चैट बॉक्स में बताओ कितने दूरी पे इमेज बनाएगा। ये मिरर यहाँ से 2 मीटर पे इधर है, तो यहाँ से कितने दूरी पे इमेज बनाएगा? 2 मीटर पे। वेरी गुड, तो देखो अगर आप यहाँ से 2 मीटर इधर चले जाओ तो ये एक इमेज बनाएगा। अरे अब आगे देखो, अब आगे देखो क्या होने वाला है, अब दृष्ट आने वाला है, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जरा ध्यान से देख क्या होगा। अरे जरा ध्यान से देख, तो देख ये रे यहाँ से चला ट्र, उसके बाद ये मिरर क्या कहेगा, इस रे को रिफ्लेक्ट कर देगा, तो देख ये रे जाएगा ट्र। अरे बोला समझ में आया? अरे बोलो समझ में, देख रे आया ट्र। अब जरा ठहर, जरा ठहर, जरा ठहरना, कोई मत बोलना, कोई मत लिखना, कोई मत कमेंट करना, आप जरा समझना। अच्छा देख यहाँ से ये रे आया, ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट, देख इंसिडेंट है, फिर उसके बाद गया ड्र, देखो यहाँ ड्र, उसके बाद गया ट्र। अच्छा देख जो ये वाला रे इसके लिए डरता है, इसलिए इसके लिए ऑब्जेक्ट। अच्छा इस मिरर को पूछोगे कि ये इसके लिए क्या है, तो देखो जो इस मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड रे है, अरे जरा ध्यान से देख, जो इस मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड रे है, जो इस मिरर के लिए इमेज है, जो देखो ध्यान देखो इस मिरर के लिए ये रे क्या है, अरे इस मिरर के लिए ये रे क्या है रिफ्लेक्ट, इस मिरर के लिए ये वाला रे क्या है, अरे इस मिरर के लिए ये वाला क्या है, तो रिफ्लेक्टेड रे है, और इस मिरर के लिए वही वाला रे क्या है, इंसिडेंट रे है। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो अगर वही वाला रे इस मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड रे है, तो उस रे के कोरस्पॉन्डिंग जो भी चीज बनेगा वो इसके लिए इमेज है, लेकिन इसके लिए तो ये इंसिडेंट रे, अरे इसके लिए तो ये इंसिडेंट रे है, तो उसके लिए क्या बनेगा वो, उसके लिए ये क्या दिखेगा, ऑब्जेक्ट क्या इमेज, अरे बोल उसके लिए ये क्या दिखेगा, ऑब्जेक्ट क्या इमेज, अरे पटाख से बोल उसके लिए ये क्या दिखेगा, उसके लिए क्या दिखेगा, ऑब्जेक्ट दिखेगा। अच्छा क्या रियलिटी में ऑब्जेक्ट है? नहीं, इस मिरर के धोखा है मिरर को, ये मिरर इस रे को पीछे एक्सटेंड करेगा, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है या रियल ऑब्जेक्ट है? अरे बता इस मिरर के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है या रियल ऑब्जेक्ट है? अरे जरा ध्यान से देखो, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सच में है नहीं, ऐसा लग रहा है धोखा, ये मिरर जाकर वहां ढूंढेगा कुछ मिलने वाला नहीं है। अरे बोलो क्या फील आ गया, अब समझ में आ गया। अच्छा इसके लिए ऑब्जेक्ट है, अब बेटा इसके लिए इमेज बनाएगा, तो बता इसके लिए ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी होगी, अरे इसके लिए ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी हो गई, अरे बता अब इसके लिए ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी हो गई, तो 7। अरे वेरी गुड, यहाँ से ऑब्जेक्ट की दूरी हो गई 7, तो बता ये वाला मिरर अब इधर से 7 मीटर की दूरी पे एक इमेज बनाएगा, अरे ये वाला मिरर अब यहाँ से 7 मीटर की दूरी पे एक इमेज बनाएगा, तो यहाँ से चले जाओ 7, क्योंकि देखो ये 5 और ये 2-7, तो यहाँ से 7 मीटर आप चले जाओ तो आपको एक इमेज और दिखेगा 7 मीटर की दूरी पे, समझ में आ रहा है? अरे 7 मीटर की दूरी पे एक और इमेज दिखेगा, और जरा ध्यान से देख, अरे जरा ध्यान से देख, अरे बोलो पूरा फील आया, अब आगे देख, अब आगे देख, फिर से देख, अब बोल फिर से ये रे देख, और ये इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, मतलब बेटा मिरर ने उस रे को पकड़ के रख लिया। अब बताओ, अब बताओ ये वाला पॉइंट इसके लिए क्या था, इस मिरर के लिए क्या था, तो देखो ये वाला रे, अरे ये वाला रे इस मिरर के लिए, तो देखो ये वाला पॉइंट इस मिरर के लिए क्या था, ऑब्जेक्ट क्या इमेज, ये वाला पॉइंट इस मिरर के लिए क्या था, इस मिरर के लिए क्या था, अरे ऑब्जेक्ट क्या इमेज, अरे फटाक से बोल ये वाला पॉइंट इस मिरर के लिए क्या था, इमेज था, लेकिन बताओ आप यही वाला पॉइंट इस मिरर के लिए क्या है, इस मिरर के लिए क्या है, इस मिरर के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या बोलो फील आ गया। अब इस मिरर को ऐसा फील होगा कि एक और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, समझ में आ गया, तो अब ये क्या करें? अच्छा बताओ अब यहां से इसकी दूरी कितनी, अरे अब यहां से इसकी दूरी कितनी होगी, अरे अब यहां से इसकी दूरी 12 होगी, अरे अब देखो यहाँ से इसकी दूरी 12 हो गई, तो बता अब ये इमेज यहाँ पे कितने दूरी पे बनाएगा,
अरे ये यहाँ से कितने दूरी पे बनाएगा, तो 12 पे बनाएगा। तो यहाँ से आप 12 मीटर चले जाओ, अब इतना तो हमारे पास डिस्टेंस है नहीं, तो 12 मीटर चलेगा, ठीक है। तो ये वाली दूरी यहाँ से 12 मीटर, क्या सबको फील आ गया, क्या ये सबको फील आ गया? अब आगे ये इस तरह से, अच्छा देखो अब समझ में आया, अरे अब समझ में आया, देख ये प्रोसेस। ठीक है, क्लियर? अच्छा देख ध्यान से देख, अच्छा ठीक है, टेंशन मत ले, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अरे जरा ध्यान से देख, तो ये देख इस तरह से ये कंटिन्यूअस चलता चला गया। अरे बोलो इस तरह से ये क्या, अच्छा था इस तरह से एक दो बार या लाखों, अरे इस तरह से एक दो बार रिफ्लेक्शन होगा या लाखों, अरे ये एक दो बार रिफ्लेक्शन होगा या लाखों, अरे फटाक से चैटर छोड़ रहा, एक दो बार या लाखों, अरे फटाक से बोल रहे प्यारे बच्चों लाखों होगा। अच्छा देख, अच्छा बताओ अब फिर से ये इसके लिए क्या काम करेगा, और देख ये 12, अच्छा देख अब बताओ इसके लिए कितनी दूरी, तो तुम चेक करोगे तो वेरी गुड, तो इस तरह से यहाँ पे हाँ 17, वेरी गुड। तो देख यहाँ से इसके लिए अब ये 17 मीटर हो गया, इसके लिए 17, तो बताओ अब ये कितने दूरी पे बनाएगा 17। कुछ लोग बोलेंगे सर, कुछ लोग मुझे ये सवाल पूछ सकते हैं, सर इतना लेंदी जो कर रहे हैं तो इतना करेंगे तब तो हम पगलाइए देंगे सर, बार बार करेंगे, नहीं ये कंसेप्ट फील कराने के लिए ये चीज मैंने कराया, क्या सब कुछ। अच्छा आपने एक चीज ध्यान दिया, अगर आपने गौर से ध्यान दिया होगा तो आपको जो डिस्टेंस दिख रहे हैं जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान देना, पहला वाला सिर्फ पकड़ो और आप सब समझ गए, वेरी गुड। नीतेश ने देखो आंसर दे दिया, सर यहाँ पे रियलिटी में क्या हो रहा है, तो देखो अगर ये दो है तो देखो ये दो, दो के बाद क्या हुआ 7, तो देख दो इसमें दो, देखो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर 5, तो दो पे यहाँ बना तो उसमें 5 और जोड़ दो तो इधर 7 पे बना, जरा देख फिर 5 इधर जोड़ दो 12 पे बना, इधर 12 पे फिर 5 इसमें और जोड़ दो इधर कितने पे बना 17। अरे बोल समझ में आया, तो देखो डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर खाली ऐड करते जाओ, डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर खाली ऐड करते जाओ, आपसे ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। क्या बोलो सबको फील आ गया, क्या सबको फील आ गया, ये सबको फील आ गया। अब एक और, और एक और, एक और बचा हुआ है, इसको भी थोड़ा क्लियर करते हैं। हाँ अब क्लियर हो गया, ठीक है, एपी में है, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखो प्लीज, लिखना मत। अच्छा अब अगला देखो, आप सोचो एक मिरर का तुम समझ गए, देखो 50 लाख रे थे, याद करो एक करोड़ में 50 लाख थे, एक से हम सब समझ गए, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप एक बार ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा अगला कैसा बनेगा, देखो नीतेश ने आंसर दे दिया, अच्छा सोचो अब अगला फील कर लेते, मिटाएंगे नहीं, मिटाएंगे नहीं, टेंशन मत लेना, अभी पहले फील करो, कोई मत लिखना, सिर्फ सुनो, सिर्फ सुनो, जब मैं बोलता हूँ सुनो तो सिर्फ सुनो आपका ये। हाँ फिर से बता दीजिए ना, नेटवर्क के कारण डिस्कनेक्ट हो गए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है रोहन, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो एक और है हमारे पास ऑप्शन रोहन, और अभी खत्म नहीं हुआ, चिंता मत करो। देखो अच्छा सोचो अब यहाँ से एक रे चलेगा, ये रे क्या करेगा बता, ये रे इधर वाला रे पहले मिरर टू से टकराएगा, ये वाला रे पहले मिरर वन से टकराएगा, अब इधर वाला रे पहले मिरर टू से टकराएगा, तो देखो पहले मिरर टू से टकराएगा। अगर आप इस रे को देखोगे तो ये वाला रे इसके लिए देखो क्या है, इंसिडेंट रे। अरे इस मिरर के लिए ये वाला रे क्या है, इंसिडेंट रे। तो इस मिरर को पूछेगा भैया इसको क्या दिखेगा बताओ, वो ये क्या दिखेगा, ऑब्जेक्ट या इमेज, आप देखो इमेज। अरे पीएस तुम पगला गया रे, इस ये मिरर है हमारा और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये रेड वाला आया है, रेड वाला देखो ये दूसरा है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट है लवी भाई। अरे ये इसके लिए क्या है रे, ऑब्जेक्ट है या इमेज, अरे फटाक से लिख ये इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है या इमेज, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इंसिडेंट लिखे थे, अच्छा इंसिडेंट लिखे थे, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, ऑब्जेक्ट है इसके लिए, तो ये इसके लिए क्या, ऑब्जेक्ट है। तो बताइए अच्छा ये ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे, 3 मीटर पे, तो ये क्या बनाएगा, तो इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज इधर बनाएगा। अरे बोल क्लियर हो गया, इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये इधर बनाएगा, तो कितने पे बनाएगा, तो ये यहाँ से 3 मीटर पे एक इमेज बना दे, तो देख अब ये रिफ्लेक्ट हो गया है ना, रिफ्लेक्ट हो गया, और ये यहाँ से देखो ऐसे है, अच्छा तो ये 3 मीटर यहाँ से दूरी होगी। अरे क्या समझ में आया, जरा ध्यान से, अच्छा जरा ध्यान से देख अब बताओ ये वाला पॉइंट, अच्छा जरा ध्यान से देख इस मिरर ने क्या किया, इस रे को रिफ्लेक्ट किया। अच्छा देखो तो इस मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड रे है, इस मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन इस मिरर के लिए तो इंसिडेंट रे। अरे तो देखो सेम रे, याद रखना सेम रे, जरा ध्यान से देख, एक के लिए इंसिडेंट है तो दूसरे के लिए रिफ्लेक्टेड है, तो देख यही रे इस रे को पकड़, इसके लिए तो रिफ्लेक्टेड है। अरे ये वाला रे इसके लिए तो रिफ्लेक्टेड है, लेकिन इसके लिए क्या है, इंसिडेंट है। मतलब कि सेम रे अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग काम कर सकता है, मतलब सेम जिसको आप ऑब्जेक्ट कहते हो किसी और के लिए इमेज हो सकता है। जैसे इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट की क्या खासियत है, इसके लिए तो बेटा इमेज है, अरे इस मिरर के लिए भी इमेज है, लेकिन इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है, अरे इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है, तो बता व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, सॉरी मिरर एंड दिस ऑब्जेक्ट, तो इस कितना डिस्टेंस है, देखो ये 3 मीटर और ये 5 मीटर, तो कुल टोटल हो गया 8, तो फिर यहां से 8 पीछे चले जाओ, तो ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे 8 मीटर पे बनाएगा,
8 मीटर पे बना दी। अच्छा देख अब ये रे फिर से टाइम, अब देख 8 पे बन गया, तो ये हो गया 8। क्या फील आया? अब जरा देख इस मिरर के लिए, देख ये इस मिरर के लिए देखो, इसके लिए ये रे, देख ये रे बोले तो ये रे इसके लिए समझ में आ रहा, ये रे इसके लिए क्या था? रिफ्लेक्टेड, तो इसके लिए इमेज था। लेकिन अब इस यही रे इसके लिए क्या होगा? इंसिडेंट। समझ रहा? इसके लिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब बताओ ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी? अब बताओ ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी? अरे जरा ध्यान से देख, अब बताओ ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी? तो इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी? तो 13। समझ में आया? तो अब क्या होगा? 13 फिर इधर चले जाओ 13। तो देख इस तरह से आपको बहुत सारे इमेजेस दिखेंगे अलग अलग डिस्टेंस। क्लियर? अच्छा आपने एक चीज ध्यान दिया, ट्रिक समझने की कोशिश करो। ट्रिक तो आप समझ ही गए होंगे। हर बार देखो पहले वाले को, देखो जब दो बन रहा था तो देखो 2, 7, 12, 2, 7। देखो पहले वाले में क्या बन रहा था? तो पहले वाले में बन रहा था 2, 7, 12। बाद वाले में क्या बन रहा था? 3, 8 and 13। तुमने एक चीज ध्यान दिया, एक बार खाली पहले वाला आप ड्रॉ कर लो, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं। एक बार खाली आप पहले वाला लिख लो और बाकी बात क्या करना, हर बार 5-5 ऐड करते जाते। क्या ये बात फील आ गई? सबको फील आ गया एक बार ये सभी को, ताकि आगे बढ़े। क्या ये कंसेप्ट सबको समझ में आ गया? सो प्लीज देख अब आपको करना क्या, आपको एग्जाम में इतना लेजी करना नहीं, ठीक है? मैं आपको समझा दिया कि ये होता कैसे, ठीक है? तो देखो इस कंसेप्ट से आपको 2-3 चीजें समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट और इमेज का धोखा क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट और इमेज किसी चीज के लिए फिक्स नहीं होता। ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे डिफाइन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या इमेज को। हो सकता है वो किसी के लिए ऑब्जेक्ट है लेकिन दूसरे के लिए क्या हो सकता है? इमेज हो सकता है। इसलिए मैं आपको क्लास में बोल रहा था कि आप जैसे जैसे आप कहानी में आगे बढ़ोगे आपको सब समझ पाएगा। हाँ अभी आपको ये जरूर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था कि सर रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करें, क्या होता है, ये धीरे धीरे वो भी आपको समझ में आ रहा है और आपको यहाँ समझ में भी आ गया होगा कि रियल ऑब्जेक्ट क्या है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है। क्लियर? मुझे लगता है ये बात सबको समझ में आ गया होगा। देखो इतने सारे बंदे क्लास में और सिर्फ कुछ ही बंदे, 10 बंदे ही यस सर लिखते हो, 100 लिखते हो और बाकी लोग गायब हो जाते हो, सो प्लीज ऐसा मत करो। सारे लोग लिखा को प्लीज, ठीक है? देखो मैं कितना एनर्जी से पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा प्लीज सर ये वाला कंसेप्ट पूरा फिर से बता दीजिए। बिल्कुल रोहन टेंशन मत लो, फिर से एक बार डिस्कस करते रहे। चलिए अब कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर कुछ बातें तो समझ में आ गए, चलिए इसको मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ ये कैसे काम करता है। सो प्लीज लिखना नहीं, किसी को रटना नहीं, किसी को रटना नहीं, देखिए ठीक है? जरा दिखाता हूं मैं, जरा ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि ये मेरा 2 मिरर है, अब पूरा आपको फील कराऊंगा, लिखना मत कोई, ये मेरा 2 मिरर है और मान लीजिए कि इन दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस है 7 मीटर। जरा ध्यान से देखिए इन दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 7 मीटर, ठीक है? और एक ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे 3 मीटर पे है और एक ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे 4 मीटर। जरा समझो ये मिरर 1 है, ये मिरर 2। तो आपको करना क्या, जरा ध्यान, अब आप हर बार रे डायग्राम बनाओगे तब तो पगलाइए जाओ, तो फिर करें क्या? देख आराम से आप पहले लिख दो मिरर 1 समझाने के लिए, मिरर 2, ठीक है? मिरर 1 एंड मिरर। चलो बन गया, तो चलो एक बार मैं क्वेश्चन, हाँ सर 2 का आंसर 120, ठीक है? 2 का आंसर 120 मतलब 2 का 1 सर, सीआरडी 1 मींस, अरे मैं भी भूल गया, कंप्लीट रे डायग्राम, कंप्लीट रे डायग्राम मतलब उसके रे डायग्राम को कंप्लीट करो। देखो सवाल क्या है, 2 इंक्लाइंड मिरर्स है, जरा ध्यान से देखो सवाल क्या, जरा ध्यान से देखो 2 इंक्लाइंड मिरर्स है, फिर से एक बार सवाल मैं रिपीट कर दे रहा हूं, 2 इंक्लाइंड मिरर्स है, ठीक है? तो देखो हमारे पास 2 इंक्लाइंड मिरर्स है और एक रे ऐसे आया, जरा ध्यान से एक रे ऐसे आया, तो 2 इंक्लाइंड मिरर्स है, दोनों मिरर कितने डिग्री पे इंक्लाइन है? 60 डिग्री, ठीक है? और देखिए एक रे जो आया वो 30 डिग्री पे इंक्लाइन हुआ, ठीक है? अब तो सोच, अच्छा ये वाला रे का किस्मत देखो, अगर सोच कि अगर ये मिरर नहीं होता, ये मिरर नहीं होता तो क्या होता, ये तो सीधा जाता, लेकिन इस मिरर ने क्या किया, इसके पाथ को डेविएट किया है ना, यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन और ये रे रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन इस रे को अभी भी सुकून नहीं है बेटा, जैसे रिफ्लेक्ट होगा एक और आगे मिल गया, उठाके देख एक और आगे मिल गया, तो फिर ये भी क्या करेगा, इस रे को रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये रे बोलेगा भैया मेरा जिंदगी खराब होता है, क्या मिरर 1 थप्पड़ मार रहा है, मिरर 2 थप्पड़ मार रहा है, और ये रे इस तरह से रिफ्लेक्ट होते हुए फिर बाहर निकल रहा है। तो सवाल क्या, ध्यान से कंप्लीट रे डायग्राम को कंप्लीट करो। दूसरा आपको बताना है कि इस रे पे कितना एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस हुआ, रे 2 पे कितना एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस हुआ और टोटल एंगल कितना डेविएशन प्रोड्यूस हुआ। ये 3 सवाल, कुल टोटल आपको 4 सवाल निकालने है ना।
तो मुझे लगता है कुछ लोगों ने सही सही निकाला है, कुछ कुछ सही निकाला है, 100% सही अभी तक किसी का नहीं है। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले मेरा टारगेट है कंप्लीट रेट आएगा। अच्छा जरा सोच क्या होने वाला है। कुछ लोग बोलेंगे सर फिजिक्स में मजा आने वाला है। अरे जरा सोच क्या होने वाला है, ये रे गाना गाते हुए चलने वाला है। देखो ये रे गाना गाते हुए चल रहा तरम पम तरम पम बम तरम पम पम रम, जैसे ही आया पम पम हो गया। अच्छा बताओ यहाँ पे आई की वैल्यू है 30 डिग्री, तो ये रे कितने एंगल से, अरे ये रे कितने एंगल से फिर से रिफ्लेक्ट होगा, व्हाट इज द एंगल। अरे कम से कम सब पे लिखा कर रे भाई, मुझे पता चलेगा क्लास में तू वो कितने एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। अरे फटाक से लिख कितने एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, 30 डिग्री, वेरी गुड 30 डिग्री से रिफ्लेक्ट होगा। हाँ ये रे 30 डिग्री पे है। अच्छा एक बात बताओ, ये हो गया 30 डिग्री, बोलो फील आ जाना, तो ये हो गया 30 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, ये तो कंप्लीट हो गया, तो डेल वन का मतलब क्या था, डेविएशन प्रोड्यूस बाय रे वन। तो देखो ये 30 ये 30, इसने कितना डेविएशन प्रोड्यूस किया जरा ध्यान से। तो ये रे ऐसे जा रहा था, देख ये रे ऐसे जा रहा था, देख इसने डेविएट किया, तो देख 120 डिग्री, इसने कितना डेविएट किया 120 डिग्री। क्या ये फील आ गया, इसने कितना डेविएट किया 120 डिग्री। अच्छा कौन से डायरेक्शन में डेविएट किया, क्लॉकवाइज। देख अरे किस डायरेक्शन में डेविएट किया, क्लॉकवाइज। अरे जरा ध्यान से देख किस डायरेक्शन में डेविएट किया, क्लॉकवाइज। देख रे ऐसे गया और ये डेविएट हुआ, तो किस डायरेक्शन में डेविएट हुआ, क्लॉकवाइज, है ना। कितने एंगल से डेविएट हुआ, 120 डिग्री। तो डेल वन का वैल्यू लिखोगे आप 120 डिग्री क्लॉकवाइज। ये पहले वाले आंसर क्लियर फील आ गए। अच्छा आगे देख ये चला डर, अच्छा आगे 30 डिग्री। अच्छा ये अगर 30 डिग्री है पहले बच्चों, ये 60 डिग्री होगा। अरे बोलिए ये 60 डिग्री होगा क्यों, अरे ये 30 है ये 60 होगा ना। अच्छा देख 60 60, तो बता ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। अरे ये वाला एंगल 60 डिग्री, तो बता नॉर्मल, जरा फील करना, अब बताओ नॉर्मल कहां पे होगा, नॉर्मल इधर होगा या इधर होगा, अरे इधर नॉर्मल होगा या इधर होगा, बता। अब सबसे मेन यहाँ पे यही वाला होता है नॉर्मल का डिसीजन, अगर ये 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है, तो बता 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा ना, बता नॉर्मल किधर होगा, ये वाला नॉर्मल N1 सही है नॉर्मल में या N2 सही है, अरे कौन सा नॉर्मल सही है, अरे बोल कौन सा नॉर्मल सही है, N1 या 2, 1 वाला नॉर्मल सही है और 2 वाला, तो बता 2 वाला सही है, समझ में आ रहा है। ये 60 डिग्री, अगर सोचो 120 डिग्री होता तो फिर कौन होता, हाँ वेरी गुड, अगर ये वाला 120 डिग्री होता तो फिर कौन होता, अगर मान लो ये 120 डिग्री होता तो कौन होता, N1 होता, वेरी गुड, क्योंकि N1 तो चल। तो देखो जब आप 90 डिग्री ड्रॉ करोगे, तो जब आप एक नॉर्मल को ड्रॉ करोगे 90 डिग्री, तो ये इस रे की इधर आएगा। तो देखो अच्छा बताओ यहाँ पे कितना एंगल बना, 30 डिग्री, क्या फील आया सबको, यहाँ पे देखो, तो देखो नॉर्मल से इस रे ने कितना एंगल बनाया, 30 डिग्री। अब इस रे की किस्मत देखो, तो फिर से 30 डिग्री से टकराएगा और फिर से ये रे क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्या ये सबको फील आया, फिर से ये रे क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, अच्छे से समझ में आ गया। तो बताइए जब रे बाहर निकलेगा तो फिर से ये एंगल बनाएगा 30 डिग्री, क्या सबको ये फील आ गया, फिर से ये एंगल बनाएगा 30 डिग्री, क्या ये सबको समझ में आ गया। अरे जरा ध्यान से देखिए 30 डिग्री फिर से बनाएगा। अच्छा देख अगर ये 30 बनाए ये 30 बनाए, तो देखो इसने कितना डेविएशन प्रोड्यूस किया, तो देखो पहले देखो ध्यान से, इसने रे को डेविएट किया था 120 डिग्री, अच्छा देखो इसने भी रे को डेविएट किया 120 डिग्री, अरे देख इसने रे को डेविएट किया 120 डिग्री, इसने भी रे को डेविएट किया 120 डिग्री। अच्छा बताओ इसने जो डेविएट किया वो किधर, ये भी क्लॉक, तो इसने भी डेविएट किया 120 डिग्री क्लॉकवाइज, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो फील करो क्लॉकवाइज, यहाँ पे देखो फील करो क्लॉकवाइज, तो 120। अच्छा दोनों ने मिलकर रे को डेविएट किया, इसने भी 120 डिग्री, इसने भी 120 डिग्री, तो टोटल रे पे कितना डेविएशन, वो जो रे बेचारा ये रे जा रहा था पहले 120 डिग्री, फिर ऐसे जा रहा था फिर 120 डिग्री, तो कुल टोटल रे में कितना डेविएशन प्रोड्यूस हुआ, समझ गए, अरे कुल टोटल रे में कितना डेविएशन प्रोड्यूस हुआ, तो 120 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आप बोल सकते हो 240 डिग्री क्लॉकवाइज, आप बोल सकते हो 240 डिग्री क्लॉकवाइज, क्या ये सबको समझ में आ गया, आप बोल सकते हो 240 डिग्री क्लॉकवाइज, क्या ये फील आ गया, क्या ये फील आ गया, वेरी गुड। अच्छा अगर आपको आपको ये फील आ गया होगा तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कई दिक्कत होगा, ठीक है। सो टोटल डेविएशन प्रोड्यूस इज 240 डिग्री क्लॉकवाइज। अच्छा एक और चीज देखो अगर फील करानी है ऐसे, अच्छा 240 डिग्री क्लॉकवाइज है, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज में कितना लिख सकते हो, अगर सोचो एक रे जा रहा है, जरा सोच एक रे जा रहा है और अगर ये 240 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, तो बताइए एंटी क्लॉकवाइज में कितना लिखो, अगर कोई रे जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज में 120 डिग्री, वेरी गुड, तो आप 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में बोलोगे तो भी सही, आप 240 डिग्री क्लॉकवाइज बोलो या 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बोलो, दोनों सही, चाहिए सबको समझ में आ जाए, फील करने वाली भी बात। अगर मान लो एक रे है इसको 240 डिग्री घुमा, देख कैसे क्लॉकवाइज, देख 240 डिग्री घुमा क्लॉकवाइज, देख 180 डिग्री, और देख 240 डिग्री, तो देख ये 240 डिग्री क्लॉकवाइज में, जरा ध्यान से, अगर ये 240 डिग्री क्लॉकवाइज में है तो इधर से देख, अरे इधर से देख
ये 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब तुमने एक चीज ध्यान दिया, एक चीज ध्यान दिया, जरा ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अरे जरा ध्यान से देख, अरे जरा ध्यान से देख, ये एंगल है 60 डिग्री और ये है 120 डिग्री, मतलब तो समझ में आया, इसका डबल है, जरा ध्यान से, इसका मतलब ये इसका डबल है, मतलब टोटल डेविएशन हमेशा डबल होता है। ये ट्रिक हो गया, ये क्या हो गया, ट्रिक हो गया। अभी एक सवाल करूंगा तब ट्रिक और क्लियर होगा, अभी ट्रिक मत लिखना प्लीज, अभी ट्रिक मत लिखना, एक बार और वेरीफाई कर लेते ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। क्या ये सबको समझ में आ गया, क्या ये सबको 100% समझ में आ गया, क्या ये सबको फील आ गया, आगे बढ़ेंगे, क्या ये सबको फील आ गया। अच्छा अब छुट्टी चाहिए क्या अनुराग, एक सवाल अभी, ये अभी इसको कंप्लीट कर दें कि छुट्टी कर दें, बोलो जैसा बोलो, इसको कंप्लीट कर दें कि छुट्टी कर दें, छुट्टी ठीक है, कितने लोग चाहते हो कि कंप्लीट करें और कितने लोग चाहते हो छुट्टी कर दें, चलिए छुट्टी, ज्यादातर लोग नहीं सर अभी पढ़ाइए छुट्टी, देखो बहुत ज्यादातर लोग छुट्टी के मूड में, कंप्लीट सी से क्या समझे, छुट्टी की कंप्लीट ट्रिक वापस, हाँ ट्रिक बताएंगे, टेंशन मत लो, ट्रिक बताएंगे सर, डोंट टेक टेंशन, अभी यह है, ये अभी खींचेगा थोड़ा, छुट्टी कंप्लीट कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, सी से छुट्टी कंप्लीट छुट्टी कंटिन्यू, मैं कंप्लीट कर देता हूँ इसमें, है ना, ताकि कल कुछ और पढ़ पाए, छुट्टी सब छुट्टी बोल रहा था, ठीक है चलो ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, एक डायग्राम और बनाओ और कल इसका ट्रिक बताएंगे, आज नहीं कल इसका ट्रिक बताएंगे, ठीक है, एक डायग्राम और प्लीज बनाओ ट्रिक, ठीक है अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये, अरे ये बहुत मजेदार है, तुम लोग पता नहीं छुट्टी क्यों, 2 घंटे हो गए, अच्छा उसे बोल रहा था 10 घंटे हो गए, आइसक्रीम चॉट ले सकते, अच्छा ठीक है एक सवाल और बना लो, ठीक है ठीक है एक सवाल और बना लो, नहीं बनाना चाहते, ठीक है एक सवाल और बना लो, 2-4 मिनट फटाक से बनाओ, और आपको ट्रिक भी समझ लगा, देखो ट्रिक क्या है इसका डबल, पहले ये समझो ट्रिक डबल है, ठीक है ट्रिक क्या है डबल है, और कैसे पता करेंगे वो भी मैं बता दूंगा, अभी अब आज मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, अगले क्लास देखो मैं आपको हर टॉपिक को ध्यान से, अच्छा एक बात तुम लोग लॉजिक पहले देखो, मैं क्या कर रहा हूँ हर टॉपिक में पहले आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से, उसके बाद कंसेप्ट समझाने के बाद कंसेप्ट से भी सॉल्व करवा दे रहा हूँ, और लास्ट में आपको ट्रिक भी बता देता हूँ, और आपको ट्रिक भी समझ में आ रहा होगा कि कंसेप्ट से ही ट्रिक बन रहा है, अरे कंसेप्ट से ही ट्रिक बन रहा है, बोलो बन रहा है, जैसे पिछले मिरर वाले में क्या था, हर बार क्या करते जाते मिरर के बीच के डिस्टेंस को ऐड करते जाते, है ना, एक बार लिख दिया 2-3 ऐड 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 ऐसे 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 ऐड करते चले, वो साफ वाला गेम ऐसे ऐसे, क्या समझ आ रहा है, यहाँ पे भी ट्रिक है लेकिन अभी नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप कंसेप्ट पे फोकस करें, ट्रिक तो बेटा ट्रिक होता है, फॉर्मूला मैं लिख दूंगा, तुमने एक चीज ध्यान दिया अभी तक मैंने एक भी फॉर्मूले का यूज नहीं किया, और पूरा ऑप्टिक्स में बिना फॉर्मूले के पढ़ा, पूरा ऑप्टिक्स लेंगे, क्या बात है सर, समझ में आ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है तो चलिए एक छोटा सा सवाल और करना चाहते हैं, और तुम लोग का उसमें योगदान होना जरूरी है, ठीक है जो लोग बनाएंगे वो लोग, अच्छा टेस्ट है 10 बजे से, सही में क्या बात है सर, ठीक है बस लास्ट अनुराग लास्ट डिस्कस कर देते हैं अनुराग, ठीक है अनुराग सॉरी फॉर दैट, तुम्हारा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है तो एक काम करते हैं वेक्टर वाला कल डिस्कस कर देंगे, ठीक है अनुराग वेक्टर वाला कल डिस्कस कर देंगे, तुम लोग एक बार और ट्राई करो, है ना कल भी क्लास मैं ही लूंगा, ठीक है कल मैं लू ना, तुम लोग चाहते हो कि मैं लू, हाँ अच्छा कल क्लास मैं लू या नहीं, अगर चाहते हो कि मैं लू तो ठीक है, नहीं चाहते हो तो मैं, हाँ बिल्कुल 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 ठीक है, हाँ बेटा जितने लोग सब लोग लिखो, तब एक छोटा सा सवाल और कर लेते हैं, और आज के क्लास को हम लोग बस ऐसे ही रैप अप मारेंगे, ठीक है रैप अप मारेंगे, चलिए ध्यान से एक छोटा सा, आप रे डायग्राम कंप्लीट कीजिए, टोटल डेविएशन निकालिए, ठीक है और ट्रिक आज थोड़ा सा बता देता हूँ सर, उसके बाद आगे देखिए सवाल क्या है, जे वाला एंगल आप 70 डिग्री ले लीजिए, यहां पे जो रे आ रहा है मान लीजिए कि वो 40 डिग्री पे आ रहा है, चलिए पहला सवाल कंप्लीट रे डायग्राम, दूसरा पार्ट डेविएशन प्रोड्यूस बाय मिरर वन, दिस इज मिरर वन, तीसरा आपको बताना है डेविएशन प्रोड्यूस बाय मिरर टू, और चौथा बताना है नेट डेविएशन, और ट्रिक अगले क्लास, ठीक है इसको आज कंप्लीट कर लीजिए।
एंगल कितना, ये 40 डिग्री है 70 डिग्री, ये 70 डिग्री है 40 डिग्री है 40 डिग्री, दिस एंगल इज 40 डिग्री। चलिए कंप्लीट रे डायग्राम, इसका रे डायग्राम कंप्लीट कीजिए सारे। तो सवाल सबको क्लियर है ना, 100, 120, 220, वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छे, सीख गए तुम लोग, क्या बात है। अनुराग जी सबको अनम्यूट कर दीजिए, आप सब बोल सकता है। अनुराग जी सुन रहे हैं? ओके सर, आप अनम्यूट कर दीजिए, अब लास्ट है, बच्चा लोग बोल रहे हैं छुट्टी चाहिए। जी सुन रहे हैं सर, जी जी अनम्यूट कर रहे हैं, सबको अनम्यूट कर दीजिए आप, ठीक है। और राजा तुम्हें समझ में आ रहा है? राजा, अरे राजा बाबू, ए कुछ बोल दे, और बोल बोल, और तुम लोग में वो गैंगस्टर सीरीज, गैंगस्टर वाला लोग है कि नहीं, वो पांच को जो गैंगस्टर से, वो लोग कहाँ है? चलो देखो, सोनू ने आंसर दे दिया, क्लियर सर। अरे आप अनम्यूट है, आप लास्ट में आपको 5 मिनट बोलने का मौका मिलेगा, तो किसी को चिंता नहीं करना है, गाली भी दे सकते हो मास्टर को, है ना। अब लगता है सब सुधर, ठीक है, चलो आगे दे, है ना, जरा ध्यान दे। अच्छा ये रे हमारा है बेटा 40 से, सोच ये तो पगला था, इस पगले को एक दीवाने से भेंट हो गई, दीवाने ने इसको डिबेट कर दिया, ठीक है। तो देख, अच्छा देखो, ये एक लड़का है ना, ध्यान से, बेचारा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी, डेविएशन प्रोड्यूस हो गया इसमें, तो देख इसमें कितना डेविएशन प्रोड्यूस हो गया, समझ, इसमें जो डेविएशन प्रोड्यूस हुआ आप समझ गए, 100, वेरी गुड। ये 40 डिग्री से मुड़ेगा, ये 40 डिग्री, अच्छा ये हो गया 100, सो 100 एंगल ऑफ डेविएशन, देखो ये ऐसे जाता क्लॉकवाइज मुड़ गया 100, तो देखो ये एंगल ऑफ डेविएशन क्लॉकवाइज में 100 डिग्री, क्या फील आ गया। तो ये है तुम लोग का डेविएशन बेटा, तुम लोग प्रिपरेशन करने जाते हो 100 डिग्री तक डेविएट हो जाते है ना, जिंदगी में मुलाकात किसी से हुआ ये पहला डेविएशन है ना, जैसे उससे मुंह माया छूटा फिर दूसरा डेविएशन के लिए तुम लोग तैयार हो जाते हो क्या, और इस वजह से इतना डेविएशन हो जाता है, इतना डेविएशन हो जाता है कि तुम वापस रास्ते में आ जाते हो, जहां से चले थे वापस वहीं आ जाते हो क्या। देखो ये दूसरा है ना, सो ये यहां से चला गया, अरे बता अब अगला तरह सोचो, अब आगे सोचो, यहां तो आपका डेविएशन हो गया, आप यहां से सोचो कि आप यहां से मैं बढ़िया से प्रिपरेशन करूंगा, लेकिन बेटा क्या पता था कि आगे भी कोई एक और डेविएशन खड़ा है ना, डेविएशन खड़ी है ना, तो देखो फिर यहां से डेविएट हो, अच्छा ये हो गया आपका 100 डिग्री डेविएशन, तो ये हो गया 40, तो ये 50, अच्छा बता ये वाला एंगल कितना हो, अरे ये वाला एंगल कितना हो, जरा देखो तो 70, 50, तो समझ रहे हो 60 डिग्री, अच्छा 60 डिग्री, तो बता नॉर्मल किधर है, तो बता नॉर्मल किधर है, समझ रहे हो, तो नॉर्मल इधर होगा, क्योंकि अगर ये 60 डिग्री यहां से, तो 90 डिग्री नॉर्मल इधर ना होगा, तो देखो ये यहां से कितना एंगल बनाएगा 30, क्या ये सबको फील आ गया, जरा ध्यान से देख, ये यहां से कितना एंगल बनाएंगे 30 डिग्री, ठीक है, अगर ये यहां से 30 डिग्री बनाए उसके बाद देख फिर से ये रिफ्लेक्ट होगा और ये 30 डिग्री, इस बार कितना डेविएशन हुआ, तो जरा ध्यान से देख, पहले वाली ने कितना डेविएशन किया 100 का, दूसरे वाली ने और ज्यादा डेविएशन किया, देख 120 का डेविएशन है ना, तो बेटा इतना डेविएशन तुम्हारे लाइफ में हो गया कि तू बेटा डेविएट होते होते देख, तो दिस इज द अनदर डेविएशन प्रोड्यूस बाय दूसरे वाली है ना, सो दिस इज डेविएशन प्रोड्यूस बाय पहले वाली एंड दिस इज द डेविएशन प्रोड्यूस बाय दूसरे वाली, एंड नेट डेविएशन इतना प्रोड्यूस हो गया कि तू बेटा कहीं का नहीं रहा, समझ में आना, उसके बाद कोई वाली भी तुमसे नहीं आने वाली है, क्लियर। सो देखो नेट डेविएशन कितना हुआ 100, 120, सोचो अगर कोई रह जा रहा था बेटा का किस्मत है खराब था, 100 जा रहा था पहले 100 डेविएशन हुआ फिर बेटा 120 और, तो टोटल डेविएशन 220 डिग्री क्लॉकवाइज, अच्छा देखो ये 220 डिग्री क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज में कितना है 140 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तुमने एक चीज ध्यान दिया, देखो ये 70 है और ये 140 डिग्री है, समझ रहा है ना, मतलब बेटा यहाँ कितने एंगल से रे पड़ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं, टोटल डेविएशन इसका जस्ट डबल हो रहा है, तो यहाँ पे तीन चीज ध्यान देने वाली बात है, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे ध्यान क्या क्या देना है क्या, ठीक है, यहाँ पे तेरा ध्यान से देखो, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कैसे ध्यान देना है, क्या ये बात सबको समझ में आ गया, क्या ये सबको समझ में आ गया, प्लीज एक बार ये सभी को, क्या ये सबको समझ में आ गया,
ठीक है, तो आज और भी पहले ठीक है, अगले क्लास में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा, तो आज के क्लास को प्लीज सारे लोग मार्किंग कीजिए और छुट्टी लीजिए, है ना, ठीक है। तो आज के क्लास के सारे लोग मार्किंग कीजिए, क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो। अरे बहुत लोग छुट्टी मांग रहा है, क्या करें, मेरे को तो बहुत मन है। प्लीज कल से काम करो, तुम लोग का क्लास जो है ना थोड़ा सा तैयार मेंटली। एक और चीज तुम लोग सुनो, मेरे क्लास में जब आते हो मेंटली तैयार हो गया है, थोड़ा ज्यादा से ज्यादा देर बैठने के लिए, ठीक है। और छुट्टी